ओके हाय गाइस, अब ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कृपया कमेंट कर दीजिए फास्ट। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है प्लीज फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। विल इमीडिएटली स्टार्ट विथ। ऑडियो वीडियो सही है, दो चार लोग कम से कम बोल दीजिएगा कि नहीं सर ऑडियो वीडियो सही चल रहा है। सो विल स्टार्ट विथ द लेक्चर्स एवरीबडी। स्टार्ट करते हैं ध्यान देना। ओके लोग ज्वाइन हो गए सब। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वगैरह फ्रेंड्स वगैरह किसी को बोलना है बोल दो, जल्दी ज्वाइन कर ले। इमीडिएटली वी आर स्टार्टिंग विद इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में हम शुरू कर रहे हैं। सो अगर किसी को बुलाना है बुला लो। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे तरीके से। सो स्टार्ट करते हैं ध्यान देना। सो एवरीबडी, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस दर्शन का रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com एंड academy.com। और आज हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम हमारा कंटेंट देखने वाले हैं जो उस दिन हमने शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर मेरे हेल्थ की वजह से साइड में रख दिया था। तो आज हम शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर चैप्टर में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आप प्लेलिस्ट में हो तो आपने देखा होगा शेयर कैपिटल डिबेंचर के 52 नंबर के सेक्शन तक के हमारा काम हुआ था। आज हम सेक्शन नंबर 52 से आगे बढ़ेंगे, ट्राई करेंगे कि आज नियरली हमारा शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो सब जन ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के ऊपर फोकस कीजिएगा। आई होप सो कि आप टाइम टू टाइम बीच में रिविजन कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जितने सेक्शन हमने ऑलरेडी शेयर एंड कैपिटल एंड डिबेंचर्स के देखे, अच्छा एक बात बोल दूं, रात को 9 बजे का मैंने लेक्चर का टाइमिंग रखा था, बट अभी सीए इंटर के न्यू बैचे शुरू हो रहे, फाउंडेशन वगैरह के न्यू बैचे शुरू हो रहे, तो एवरी नाइट कभी ना कभी रात में ऐसे 8 8 9 बजे मीटिंग आ जाता है जिंदगी के अंदर। ठीक है, जिस वजह से हमारा ये बैच इरेग्युलर हो रहा था। सो मैं चाहूंगा कि अपन टाइमिंग चेंज करके नियरली 7 1 बजे के आसपास का टाइमिंग रखेंगे, 7 PM के आसपास का, जिससे होगा ये कि भाई साहब एटलीस्ट हमारा लेक्चर थोड़ा सा रेगुलराइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो मेरा 7 8 दिन का बीच में छुट्टी आने वाला था 22 से लेके 29, वो हमने क्रंच कर दिया है, बिकॉज अभी 1 2 दिन ज्यादा छुट्टी हुई है तो हमने क्रंच कर दिया। वो 2 3 दिन का ही हमने छुट्टी रखा है, टूर वो हमने साइड में रख दिया। सो वी रिक्वायर कि हम हमारी 5 अगस्त के पहले बैच कंप्लीट करें। ठीक है, सो ये चीज को आप कृपया याद रखिएगा। ठीक है, सो हमारा समय पे अपना लेक्चर चलता रहेगा और 5 अगस्त के पहले सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर को हम रिवाइज कर लेते हैं, इसके सेक्शंस को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसके सेक्शंस हमने देखे थे और मैंने आपको टेक्निक भी दिया था कि चैप्टर के सेक्शन आप कैसे याद कर सकते हो। सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन से ग्रिप आता है सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहला है आपका शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर सेक्शन नंबर 43 से लेकर 72, और इसके अंदर हमने देखा था कि भाई साहब शेयर के लिए हमने सेक्शन देखे थे, दैट इज काइंस, नेचर, नंबरिंग, सर्टिफिकेट, वोटिंग, वेरिएशन, कॉल्स, एडवांस कॉल्स और उसके बाद में डिविडेंड। इसके लिए हमने मेमोरी टेक्निक देखा था, क्यों ना ना चिल्ला के वीडियो कॉल पे एडवांस डिविडेंड मांग रहा है, क्यों पर से हमने देखा था काइंस ऑफ शेयर, एन पर से नेचर, एन पर से नंबरिंग, हालांकि नेचर नंबरिंग डिलेटेड है, सी पर से सर्टिफिकेट जिसमें हमने शेयर सर्टिफिकेट शेयर वारंट का डिफरेंस देखा था, उसके बाद में वी पर से वोटिंग, वी पर से वेरिएशन जिसमें हमने वोटिंग राइट्स के लिए एक लंबा चौड़ा चार्ट देखा था, वेरिएशन के लिए हमने देखा था विजय सर के क्लास का एग्जांपल के टाइम चेंज कर दिया, मैंने टाइम चेंज कर दिया, कॉल्स ऑन शेयर्स एकदम इजी सेक्शन था, एडवांस कॉल के लिए 5 6 पॉइंट हमने देखे थे कि एडवांस कॉल ये कंपनी के एओए ने अलाउ करना चाहिए, उसके ऊपर वोटिंग नहीं मिलता है, एडवांस कॉल कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में यूज होना चाहिए, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने देखा था डिविडेंड, डिविडेंड के बाद में हम आगे बढ़ गए थे, हमने सेक्शंस के अंदर 3 सेक्शन देखे थे, दैट इज 52 जिसका है प्रीमियम, 52 रुपए का प्रीमियम, 53 रुपए का डिस्काउंट एंड 54 दैट इज अ स्वेट इक्विटी शेयर, एंड 55 के अंदर हमने देखा था प्रेफरेंस शेयर। हालांकि हमने 52 तक के ही कंप्लीट किया है, आज हम 53 54 एंड 55 के साथ में शुरू करेंगे। फिर 56 57 58 59 60 ये तो मैंने लिंक बना के दिया था कि भाई साहब 56 में हो गया ट्रांसफर, 57 में उसका फ्रॉड, फ्रॉड हुआ तो आपको रिफ्यूज करना है 58 में, उसका करेक्शन आपको करना है 59 में, उसका पब्लिशिंग आपको करना है 60 में।
और अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल जो है सेक्शन नंबर का बोले एक बार उसे 61। ये होने के बाद हमने फर्दर इशू के लिए देखा था, फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट इशू, ईसॉस, ईएसपीएस 62 के अंदर है। बोनस इशू के लिए 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 7, 3 × 3 = 10, बोनस इशू। फिर आरओसी, फ्लाइंग विद द आरओसी, याद है फ्लाइंग विद द आरओसी सेक्शन नंबर 64, रिडक्शन के अंदर 65 अनलिमिटेड टू लिमिटेड, 66 छी रिडक्शन, 67 से लेकर 70 में बीबी, बीबी आती है तो बीबी पहले प्रोहिबिटेड है, पहले पढ़ाई करो जिंदगी बनाओ तो भाई साहब बीबी अच्छी मिलेगी। दूसरा प्रोसेस ऑफ बीबी, अगर आप सीए बन जाओ अच्छी पढ़ाई करो तो अच्छी बीवी मिलेगी। फिर उसके बाद में उसके, अरे मतलब 69 नहीं, अरे अच्छा सोचो रे भिखारी लोगों। सो 69 ये सेपरेट सेक्शन, इसको अलग से याद रखो, 69 करना नहीं है। और ऐसे किया तो कुछ नॉमिनेशन 72 में, ठीक है, और फिर 70 के अंदर केवल एक बार उसे कॉन्ट्रावर्सी। सो 69 CRR, ये तो याद हो गया होगा ना, इसके लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी ना। 69 CRR सर, कबड़ा ये सेक्शन याद है सर, जीवन दूसरा बोलो कोई, ठीक है, ये याद है। और इसका नॉमिनेशन भी याद है सर, नॉमिनेशन हो क्या, CRR होता है नॉमिनेशन है, नालायक लोग सुधर जाओ जीवन के अंदर, ठीक है, इधर दांत निकाल निकाल के हंसते हैं सब लोग, ठीक है। चलो ये अगर चीज आपकी हो गई है तो आज मैं बढ़ रहा हूं आगे, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल तो जाके आइडिया आएगा, अदरवाइज आइडिया आना मुश्किल है। सो टुडे वी आर गोइंग फॉर दैट इज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर चैप्टर, एंड शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर के अंदर आज हम सेक्शन नंबर 53 दैट इज जो डिस्काउंट का जो सेक्शन नंबर है उसके साथ में शुरू करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि भाई साहब ये सेक्शन किस बारे में है। रेडी, लेट्स गो। सो फटाफट बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, एक चार्ट के अंदर मैंने डिस्काउंट का सेक्शन एक्सप्लेन किया, इसके लिए आज से आंसर राइटिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन में सिर्फ इतना बोला है कि डिस्काउंट कब दे सकते कब नहीं दे सकते, और नहीं दे सकते तो कॉन्ट्रावेंशन में आपको क्या लगेगा, ठीक है। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर फोकस करना अच्छे से। सो चलिए शुरू करते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहली चीज डिस्काउंट के लिए हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज कंपनीज एक्ट बोलता है डिस्काउंट ऑन शेयर इज प्रोहिबिटेड, कि भाई साहब आप शेयर के ऊपर डिस्काउंट ही नहीं दे सकते। पर आधे बच्चे जब ये सेक्शन पढ़ते हैं ना तो उनको इसका कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता, और जिन्होंने मुझसे रेगुलर या फास्ट ट्रैक बैचेस में पढ़ा है तो उनको मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो रिविजन के अंदर भी मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, और जिनको नहीं पता उनको भी समझ में आए इसलिए उसको बोल दूं एक बार। तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। देखो बच्चों, मार्केट में जो आपकी प्राइस है ना, मार्केट में जो आपकी प्राइस है वो प्राइस दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है इशू प्राइस और एक होता है फेस वैल्यू। इशू प्राइस मतलब जिस प्राइस के ऊपर आप शेयर इशू करते हो, शेयर इशू करते हो जिस प्राइस के ऊपर उसे इशू प्राइस कहते हैं, मतलब प्राइस टू इशू शेयर्स, चाहे जिस प्राइस पे आप शेयर इशू कर रहे हो उसे इशू प्राइस कहते हैं। व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू का सिंपल मतलब होता है आपका नॉमिनल वैल्यू। आपका कौन सा वैल्यू बोले एक बार उसे? नॉमिनल वैल्यू, जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में बोला है वो वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, चाहे फेस वैल्यू तो सबको पता है। पर आपने याद रखना, फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉर्मली इशू प्राइस। आपका फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम हम ऐड कर दे सेक्शन 52 का तो आपका इशू प्राइस आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलू तो स्टॉक मार्केट के ऊपर जितने शेयर लिस्टेड होते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उन सब का फेस वैल्यू 10 रुपीज होता है, मैक्सिमम 10 रुपीज, और हमेशा 10 नहीं रहेगा, इट कैन बी ₹1 to ₹10 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। जैसे SBI का शेयर का वैल्यू ₹1 है, ठीक है, बट नॉर्मली शेयर की वैल्यू ₹10 से शुरू होती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ₹10 मैक्सिमम प्राइस हो सकती है, उसके नीचे भी हो सकती है, पर यही जो शेयर है ये आपको स्टॉक मार्केट में 400-500 रुपए पे मिलता है, 400 रुपीज 500 रुपीज के ऊपर आपको ये शेयर मिलेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। अब बेसिकली देखा जाए तो इसका मतलब क्या है, मतलब आईपीओ जब आता है तो शेयर आपको 400-500 का मिलता है, मतलब ये है इशू प्राइस, 400-500 इज इशू प्राइस, फेस वैल्यू है 10। अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्या मैं पागल हूं? नहीं, मैं पागल नहीं हूं, बहुत सारे बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं समझ में आता ये चीज का, ठीक है। चलो इसके अंदर एक और मैं ऐड कर दूं, अगर तुमको कंसेप्चुअल अच्छे समझ में आता आना है तो एक होता है मार्केट वैल्यू आल्सो। कौन सा वैल्यू होता है? मार्केट वैल्यू। व्हाट इज अ मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू का बहुत सिंपल मतलब होता है कि भाई साहब इशू प्राइस जब बाद में ट्रेड किया जाता है, ट्रेडिंग से जो प्राइस डिराइव होता है, ट्रेडिंग से जो क्या डिराइव होता है, प्राइस, प्रिंस नहीं, ट्रेडिंग से जो प्राइस डिराइव होता है, जो आप स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हो उससे जो प्राइस डिराइव होता है। जैसे आज हम कहते हैं टाटा का शेयर 5000 पे रुक गया, टाटा का शेयर 5500 पे रुक गया, तो वो ट्रेडिंग प्राइस हुआ, उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बोले एक बार, उसे मार्केट वैल्यू। इशू प्राइस पे इशू कर दिया लोगों ने, ट्रेड किया, वो मार्केट वैल्यू।
और मैं इतने सारे प्राइस आपको क्यों बता रहा हूं कि भैया फेस वैल्यू, फिर इशू प्राइस, फिर मार्केट वैल्यू, सर इसे आप इतनी सारी चीजें जिंदगी में क्यों बोल रहे हो, क्या जरूरत है इन चीजों की इस सेक्शन में? तो भाई साहब सेक्शन नंबर 53 कौन सा वाला डिस्काउंट प्रोहिबिट करता है ये समझ में आना चाहिए, और डिस्काउंट समझने के लिए कौन से प्राइस पे है ये भी तो समझ में आना चाहिए, कौन सी प्राइस पे है ये तो आपको समझ में आना चाहिए डिस्काउंट समझने के लिए। आपको प्राइस ही नहीं पता तो आपको डिस्काउंट कहां से पता चलेगा, आपको पहले पता ही पता होना चाहिए भी कौन से प्राइस पे है, विच प्राइस इट इज, फिर आपको समझ में आएगा कि डिस्काउंट क्या है। अब मेरा सवाल यह है, इसका जवाब कृपया आप देना, भले ही रिवीजन लेक्चर में बैठे हो आप, ठीक है, सो आप इसका जवाब देना, कृपया बहुत अच्छे से इसका जवाब देना कि डिस्काउंट की बात सेक्शन 53 में कौन से प्राइस के ऊपर चल रही है, विदर इज इशू प्राइस और फेस वैल्यू और द मार्केट वैल्यू। कृपया मुझे आंसर दे, मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट आंसर दे, ठीक है, कि कौन से प्राइस की बात चल रही है, इशू प्राइस, फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू, विच वैल्यू की यहां पे बात चल रही है, कौन सी वैल्यू की बात चल रही है, प्लीज टेल मी एवरीबॉडी, क्या लगता है आपको कौन से प्राइस की बात चल रही है, आई एम वेटिंग, फटाफट बोलिए फटाफट, कौन से प्राइस के ऊपर डिस्काउंट की बात चल रही है, कैन एनीबॉडी टेल मी, जिंदगी में कोई अपरी, अरे जवाब तो दो, गलती होगा, ओके सत्यम बोल रहा है इशू प्राइस, नमन बोल रहा है इशू प्राइस, भाग्यश्री बोल रही है इशू प्राइस, ओके रेणुका बोल रही है इशू प्राइस, विनय बोल रहा है इशू प्राइस, पूजा व्यास इशू प्राइस, अंकिता इशू प्राइस, अंकित दोषी इशू प्राइस, ओके ठीक है, तो चलो आज मैं आपको मेंशन कर दूं कि हम यहां पे कौन से प्राइस की बात कर रहे हैं, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, हम जो बात करते हैं कि सेक्शन नंबर 53 में कौन से प्राइस का डिस्कशन हो रहा है, दैट इज नॉट अ इशू प्राइस, ठीक है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, दैट इज नॉट अ इशू प्राइस, इट इज अ फेस वैल्यू, दैट इज नॉट अ इशू प्राइस, इट इज जस्ट अ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू डिस्काउंट की बात चल रही है, क्योंकि सेक्शन नंबर 53 कहता है कि अगर आप कभी जिंदगी में डिस्काउंट देना चाहते हो फेस वैल्यू के ऊपर, मैं मानता हूं कि सभी ने इशू प्राइस ही आंसर दिया होगा, डिस्काउंट देना चाहते हो फेस वैल्यू के ऊपर तो वो प्रोहिबिटेड है, सेक्शन 53 कहता है कि डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू बिल्कुल नहीं दे सकते, 10 रुपए का शेयर है 10 मिनिमम लेना पड़ेगा, हाँ साथ में सेक्शन 53 कहता है कि इशू प्राइस के ऊपर अगर आप डिस्काउंट देना चाहो तो वो जरूर दे सकते हो, पर ये उन्होंने बोला नहीं है, यह हम अज्यूम कर रहे हैं, यह हम अज्यूम कर रहे हैं, सेक्शन 53 में इशू प्राइस के बारे में कुछ नहीं बोला है, फेस वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट दे सकते ये बोला है, पर इशू प्राइस के अंदर डिस्काउंट दे सकते हैं ये नहीं बोला है, समझ में आ रहा है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं, और बात मार्केट वैल्यू तो कम ज्यादा होते ही रहता है भाई साहब, इसके अंदर तो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट कोई समझ में नहीं आता, इट्स एन ए, कोई डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट तो यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि शेयर ऑलरेडी इशू है, कभी भी आपने देखना, देखो सेक्शन का स्टेटमेंट क्या है कि डिस्काउंट ऑन शेयर इज प्रोहिबिटेड, डिस्काउंट ऑन शेयर प्रोहिबिटेड मतलब फेस वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट प्रोहिबिटेड है बेटा, इशू प्राइस पर डिस्काउंट प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है, आप देखना कभी भी इशू प्राइस को भी डिस्काउंटेड फॉर्म में इशू किया जा सकता है, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, स्वेट इक्विटी शेयर्स, इसमें आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हो, ठीक है, आप राइट शेयर्स एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर कर रहे हो तो इशू प्राइस में डिस्काउंट दे सकते हो, समझ में आ रहा है सबको, आप बोनस शेयर वगैरह दे रहे हो तो इशू प्राइस में डिस्काउंटिंग हो सकता है, तो इशू प्राइस में डिस्काउंटिंग चलता है, क्यों, क्योंकि सेक्शन 53 ने फेस वैल्यू के ऊपर डिस्काउंटिंग मना किया है, तो सो द सेक्शन इज जस्ट मेड फॉर फेस वैल्यू, द सेक्शन इज नॉट टॉकिंग अबाउट इशू प्राइस, 90% आप खुद आंसर के अंदर देख लीजिएगा, 90% बच्चे को यह लगता है कि दिस सेक्शन इज अबाउट इशू प्राइस, नहीं, दिस इज अबाउट फेस वैल्यू, इशू प्राइस पे डिस्काउंट वैसे ही अलाउड है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, अब हम बात सिर्फ फेस वैल्यू की कर रहे हैं कि फेस वैल्यू में अगर आपने डिस्काउंट दे दिया, फेस वैल्यू में अगर आपने डिस्काउंट दे दिया तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपका जो आपको पेनल्टी कितना है, अमाउंट रिसीव्ड या 5 लाख, अमाउंट रिसीव्ड या 5 लाख, विच एवर इज आपको पेनल्टी लग जाएगा लोअर का, ठीक है, जितना पैसा लिया है 5 लाख, विच एवर इज लोअर का आपको पेनल्टी लगेगा, मतलब मिनिमम 5 लाख की पावती फटेगी, साथ में आपको जो अमाउंट रेज किया है वो तो रिफंड करना ही पड़ेगा, मतलब आपने पेनल्टी पे कर दिया तो आप रिफंड नहीं करोगे, ऐसा नहीं, मैंने 1 करोड़ रुपया उठाया, ठीक है, मुझे 5 लाख का पेनल्टी लगा तो ऐसा नहीं 1 करोड़ में जाओगे, 1 करोड़ तो रिफंड करना ही है मुझे इन्वेस्टर्स को, 5 लाख का मुझे ऊपर से पेनल्टी है विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, 1 करोड़ के ऊपर 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक्सेप्शन, अब आप फेस वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट कब दे सकते हो, इसके लिए बात की गई है, बहुत अच्छे से फोकस करना सब लोग, फेस वैल्यू पर डिस्काउंट कब दे सकते हो, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर आप इशू कर रहे हो तो फेस वैल्यू डिस्काउंट कर सकते हो, अगर आप शेयर इशू कर रहे हो डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में तो फेस वैल्यू डिस्काउंट कर सकते हो, डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम मतलब आपने किसी से लोन लिया है, ठीक है, मेरी कंपनी किसे लोन लिया, मैं किंग फिशर हूं, मैंने SBI बैंक से लोन लिया 17,000 करोड़ का,
ठीक है, मैंने एसबीआई बैंक से लोन लिया 17,000 करोड़, 60,000 करोड़ का मैंने एसबीआई से लोन लिया, मैं किंग फिशर हूं, तो मेरे एसबीआई का ये जो 500-700 या जितना भी लोन है 60,000 करोड़ का, ये मैंने एसबीआई को बोला कि भैया इतना का लोन पे नहीं कर सकते, एक काम करो 7,000 करोड़ के लोन के बदले इक्विटी शेयर ले लो, 7,000 करोड़ के लोन के बदले इक्विटी शेयर ले लो, दैट इज कॉल्ड डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, दैट इज कॉल्ड डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। लाइबिलिटी साइड में क्या होगा, लाइबिलिटी साइड में आपके केस में जो लोन दिख रहा है, लाइबिलिटी एसेट आपके साइड में जो लोन दिख रहा है, वो लोन रिप्लेस होके कन्वर्ट हो जाएगा शेयर कैपिटल में, अपर साइड में जाना चाहूंगा, वो कन्वर्ट होकर कन्वर्ट हो जाएगा शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में लोन कन्वर्ट होगा। सो आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम कर रहे हो, मतलब लाइबिलिटी साइड तो वैसे ही बैलेंस है, हमने 7,000 करोड़ का लोन निपटा दिया, उसके बदले में शेयर इशू करवा दिया, ठीक है, इसमें कंपनी का कोई लॉस ही नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी तो पे करना पड़ता है, शेयर कैपिटल कौन सा पे करना पड़ता है, ठीक है। और किंगफिशर ने किया भी था, या 7,000 करोड़ नहीं, पर एसबीआई के साथ में 600 करोड़ का जो लोन था वो इक्विटी में कन्वर्ट करवाया था, 600 करोड़ का लोन। ये हो गया किसके, कंपनी के बुक्स में, ये हो गया किसके बुक्स में, कंपनी। वही जो लेंडर है, वही जो लेंडर है या जो बैंक है, भाई साहब उसके बुक्स के अंदर क्या होगा, लेंडर या बैंक के बुक्स के अंदर क्या होगा, अगर मैं वहां पे देखूं कि लाइबिलिटी और असेट है, तो लेंडर और बैंक के बुक्स में क्या होगा, तो मैं मेंशन करना चाहूंगा, बैंक का जो दिख रहा था भाई साहब यहां पे क्या कहते हैं उसको, लोन एंड एडवांसेस, लोन एंड एडवांस जो बैंक ने दिया हुआ दिख रहा था, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट्स में, वो कन्वर्ट हो जाएगा काइमर लेवाजो से इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है ना, दिस इज कॉल्ड डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। सो अगर आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में शेयर्स दे रहे हो तो फेस वैल्यू डिस्काउंट कर सकते हो, और अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो भी फेस वैल्यू डिस्काउंट कर सकते हो, सिर्फ इतना नहीं, आप बोनस इशू कर रहे हो तो बोनस में तो हम 100% डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स दे देते हैं, बोनस इशू में तो आप बोनस इशू में भी डिस्काउंटिंग करवा सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। यहां पे आपका सेक्शन नंबर 53 खत्म होता है, किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसके अंदर 100% दी गई है, गो फॉर इट फास्ट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो डन एवरीबॉडी, डेट रिस्ट्रक्चरिंग इश्यू प्राइस के ऊपर भी होता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर भी होता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की हालत खस्ता है, मुझे एक बात बताओ, किंगफिशर की हालत खस्ता है, ठीक है, तो किंगफिशर की अगर हालत खस्ता है तो क्या आप मार्केट वैल्यू पे किंगफिशर का शेयर लोगे, ऑब्वियसली नॉट। इसलिए नॉर्मली डेट रिस्ट्रक्चरिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं इशू प्राइस फेस मार्केट वैल्यू पे नहीं होता, पर जिस कंपनी, जो कंपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है उसके अलावा हालत ऑलरेडी खस्ता है, तो ऑब्वियस ये बात है कि भाई उसका तो फेस वैल्यू भी टूटा हुआ होगा ना, हाँ है ना, इसलिए। अच्छा, फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जा रहे हैं, और नेक्स्ट सेक्शन जिंदगी में हम जो ले रहे हैं वो है स्वेड इक्विटी शेयर्स का। किसका सेक्शन है बोले एक बार, जो स्वेड इक्विटी शेयर्स। अब स्वेड इक्विटी शेयर्स का जो सेक्शन है उसके अंदर मेंशन क्या किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि स्वेड इक्विटी शेयर मतलब क्या है। सबसे पहले तो स्वेड इक्विटी शेयर्स का हम डेफिनेशन देखते हैं समझने के लिए कि भाई साहब स्वेड इक्विटी शेयर्स क्या है, ठीक है। So, स्वेड इक्विटी, एक मिनट होल्ड करना, मैं इसके लिए आपको चाहिए तो पीपीटी ही दिखा देता हूं एक बार, तो आपको कैसा याद आ जाएगा, क्योंकि सेक्शन पीपीटी से पढ़ाया था, तो पीपीटी अगर आपको दिखा दिया तो कैसा जिंदगी में आप एकदम होशियार हो जाओगे ना, हाँ ना, अगर पीपीटी से किया तो, ठीक है। चलो लेट्स गो, कुरी रेडी, आ जाओ। सो स्वेड इक्विटी शेयर्स का सेक्शन देखते हैं, हाँ के। अब सवाल है स्वेड इक्विटी शेयर्स हम किसको देते हैं, टू हूम वी गिव स्वेड इक्विटी शेयर्स, और अभी अभी हमने देखा कि स्वेड इक्विटी शेयर से वो शेयर है जो हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, कहे पे इशू करते हैं, डिस्काउंट। सो डिस्काउंट ऑन शेयर्स का जो एक्सेप्शन है वो है स्वेड इक्विटी शेयर्स। स्वेड इक्विटी शेयर्स किसको देते हैं, जो कंपनी में एम्प्लॉय काम करते रहता है तर 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 24 घंटे,
जिसका दिमाग खराब हो जाता है काम कर करके। दूसरा हम स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको देते हैं, जो कंपनी कंपनी में आके काम करते करते सो जाता है उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं। फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉयज को हम स्वेट इक्विटी शेयर्स देते थे। जो कंपनी में लाता बुक क्या मारा पीटी करना शुरू कर देता है उसको स्वेट इक्विटी, हम किसको स्वेट इक्विटी शेयर देते हैं, और फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय को हम ज्यादा स्वेट इक्विटी शेयर देते, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय को हम सबसे ज्यादा स्वेट इक्विटी शेयर देते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, मतलब देखो एक बार तुमको मजा आ जाएगा, कभी तुम जॉब वॉब करने जाओ आर्टिकलशिप वगैरह में तुम्हारा मूड हो गया तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन ऐसे भी ऐसे भी निकाल सकते हो, समझ में आया। इससे भी तुम्हारा अगर मन नहीं भरा तो तुम बॉस के साथ ये भी कर सकते हो, ठीक है, कि अगर तुम्हारा बॉस ने तुम्हारा दिमाग खा लिया ऐसे कि फ्रस्ट्रेट हो गए तुम, ये बस एक नंबर। ठीक है, तो ऐसे अगर कंपनी में आपके नहीं होना है, ठीक है, ऐसी हरकतें आपके कंपनी में नहीं होनी चाहिए, आपको लगता है कि आपकी कंपनी अच्छी बनी रहे, आप अच्छे से काम करो, तो ऐसे सिचुएशन में गाइज ऐसे सिचुएशन में इशू करने पड़ते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या इशू करने पड़ते हैं, बोले एक बार, स्वेट इक्विटी शेयर्स। और स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए कुछ पांच रूल्स है, कितने रूल्स है बच्चों, पांच। सबसे पहला स्वेट इक्विटी शेयर का रूल है, पास करो जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरा रूल है, जनरल मीटिंग के स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद आपके शेयर सेम क्लास के होने चाहिए, डिक्टो सेम, मतलब इक्विटी शेयर्स को जो शेयर आपने दिए है, इक्विटी शेयर होल्डर को आपने जो शेयर्स दिए है, सेम शेयर्स आपने एम्प्लॉइज को भी देना जरूरी है, नहीं तो इक्विटी वालों को अलग एम्प्लॉइज को अलग, तो कंपनी में झगड़े होना शुरू करेंगे। तो जो इक्विटी वालों को आपने शेयर दिए वही आपको एम्प्लॉइज को देना जरूरी है। तो ऐसे सिचुएशन में शेयर शुड बी ऑफ सेम क्लास, सेम टू सेम शेयर, सेम टू सेम शेयर होनी चाहिए, एकदम सेम, एकदम डिक्टो, डुप्लीकेट, जुड़वा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वाला, कौन से एम्प्लॉय को कितने स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो उसका एक रजिस्टर मेंटेन करो, और उसका फॉर्म होता है SH3। ठीक है, SH3 के अंदर आप एक रजिस्टर मेंटेन करो, कौन से एम्प्लॉय को कितने स्वेट इक्विटी शेयर। फिर अगर आपकी कंपनी अच्छा, ये वाला कंडीशन कट हो गया है, ये अभी एप्लीकेबल नहीं है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपने सेबी का अप्रूवल लेना चाहिए। तो चार कंडीशन स्वेट इक्विटी शेयर के है, GMSR, शेयर शुड बी ऑफ द सेम क्लास, प्राइस और नंबर जो है वो एम्प्लॉयज का एक रजिस्टर मेंटेन करो, एंड सेबी का परमिशन ले लो। किसका परमिशन ले लो, बोले एक बार, उसे सेबी का। सो इस प्रकार आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले एक बार, सुनो, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। अब ये हो गया स्वेट इक्विटी शेयर्स का कंडीशन, कृपया आप आ जाइए वाव बुक के अंदर, वाव बुक के अंदर हम जरा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। रेडी, लेट्स गो, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर। सो पहले तो स्वेट इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन मैंने क्लास में याद करवाया था, अभी अगर याद हो सकता है तो अच्छा है, अदरवाइज इसको छोड़ के कंडीशंस पे ध्यान दो। मींस सच इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और द एम्प्लॉइज एट द डिस्काउंट फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऐसा भी हो सकता है डिस्काउंट पे अदर देन कैश कंसिडरेशन है। कई बार हम एम्प्लॉइज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के खिलाफ स्वेट इक्विटी देते, कई बार ईयरली बोनस के जगह पे कैश के जगह पे स्वेट इक्विटी शेयर्स दे देते। ठीक है, तो हाउ और मेकिंग इट अवेलेबल राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक वैल्यू एडिशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। ठीक है, इसको क्लास में हमने इसको याद किया था, थोड़ा सा रिवाइज करना, जिसको याद नहीं, ठीक है, इट्स ओके, आप पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए। नीचे 54 ओवरराइड सेक्शन 53, मतलब डिस्काउंट दे सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर मस्ट बिलोंग टू द सेम क्लास ऑलरेडी इशूड, एग्जिस्टिंग क्लास के शेयर होने चाहिए। उसके बाद में कंडीशन फॉर स्वेट इक्विटी शेयर, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में बताओ नंबर ऑफ शेयर, करंट मार्केट वैल्यू, कंसिडरेशन क्या है, क्लास ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, और फिर सेबी का आपने अप्रूवल लेना चाहिए रूल 8 के अंदर। फिर राइट्स और लिमिटेशंस वगैरह बोलनी चाहिए, पेरी पासू मतलब प्रोपोर्शनेट आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स जाना चाहिए सभी एम्प्लॉइज को। फिर नीचे बोला गया है, ठीक है, कि जो स्वेट इक्विटी शेयर आपने इशू किए हैं वो 12 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है उसके अंदर स्वेट इक्विटी इशू होना चाहिए, 12 महीने तक के ही स्पेशल रेजोल्यूशन वैलिड है। जो स्वेट इक्विटी शेयर दिए वो 3 साल तक के लॉक इन रहते हैं, नहीं तो तुमने एम्प्लॉय को ओनरशिप वैल्यू के लिए स्वेट इक्विटी शेयर दे दिया, आज एम्प्लॉय ने सस्ते में शेयर ले लिया और कल बेच दिया, कल ही बेच दिया इमीडिएटली, क्या फायदा हुआ स्वेट इक्विटी इशू करने का। तो 3 साल तक लॉक इन रहते, आज इशू किए 3 साल तक एम्प्लॉय को पकड़ के रखने पड़ेंगे, क्या स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर पकड़ने पड़ेंगे ना। लाइक इसका वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवा लो, स्वेट इक्विटी शेयर डन द रजिस्टर्ड वैल्यू। फिर उसके बाद में नीचे मेंशन किया गया है, अब ये बहुत खास कंडीशन है, इसको मैं 444-5 स्टार मार्किंग करूंगा, बहुत सारे बच्चों को ये कंडीशन समझ में नहीं आते, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। ठीक है, ये कंडीशन डाला क्यों गया है, जरा फोकस कीजिएगा तो ही जाके आपको समझ में आएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। ये कंडीशन क्यों डाला गया है, ये चीज आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, बोर्ड के ऊपर कृपया ध्यान देना, कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फोकस करना तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, प्लीज फोकस करना अच्छे से। कंडीशन इसलिए डाला गया है क्योंकि कैसा होगा, समझो कंपनी में 100% शेयर होल्डर्स थे, कंपनी में 100% शेयर होल्डर्स थे,
और आपने एक स्वीट इक्विटी इशू किया, एक स्वीट इक्विटी शेयर इशू किया, एक इशू कर दिया, शेयर होल्डर बोलेंगे ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह एक बार स्वीट इक्विटी इशू कर रहे क्या दिक्कत क्या है, एम्प्लॉय बनेंगे तो 4% है खुश की बात, शेयर होल्डर बोले ओके। आपने दूसरी बार स्वीट इक्विटी इशू किया, मेंबर्स बोले हाँ हाँ ठीक है यार चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे एडजस्ट कर लेंगे। आपने तीसरा स्वीट इक्विटी इशू कर दिया, मेंबर बोले हाँ अरे ओके भाई ठीक है ओके होना चाहिए ओके कोई कोई नहीं झगड़ेगा ओके ठीक है। आपने चौथा स्वीट इक्विटी कर, मेंबर अरे 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 क्या हुआ, ये तो हम जनरल मीटिंग में मेंबर्स कम, जनरल मीटिंग में भाई साहब मेंबर्स कम और यहां एम्प्लॉइज ही बड़े सारे, क्या चल क्या रहा है भाई क्या चल रहा है, मेंबर्स कम और एक स्वीट इक्विटी किया, कुछ दिनों बाद तो कंपनी के अंदर हालत ये हो जाएगी भाई जनरल मीटिंग में मेंबर आ जाएंगे माइनॉरिटी में और एम्प्लॉइज ही कंपनी चलाएंगे, ये कोई बात हुई जिंदगी में, मतलब जिसकी कंपनी उसके हाथ से छिन गई ना भाई साहब। तो ऐसे सिचुएशन में स्वीट इक्विटी औकात के बाहर ना हो जाए, मेंबर का पूरा वैल्यू खराब ना हो जाए, मेंबर डिग्रेड ना हो जाए, इसलिए जो स्वीट इक्विटी शेयर्स है वो स्वीट इक्विटी शेयर्स जो है उसके ऊपर लिमिट लगाई है। आप कितना स्वीट इक्विटी शेयर एक साल में इशू कर सकते हो, देखो बोला है किसी भी एक साल में, एनी वन ईयर, किसी भी एक साल, ओनली वन ईयर नहीं बोला है, एनी वन ईयर, एनी मतलब किसी भी एक साल में, ठीक है किसी भी एक साल, ऐसे दो चार साल भी हो सकते हैं, मतलब आज ये साल अगला साल, एनी वन ईयर किसी भी एक साल में आप मैक्सिमम स्वीट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, ठीक है 15% ऑफ पेडअप कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। तो अगर आपका पेडअप कैपिटल 100 करोड़ है तो आप स्वीट इक्विटी 15 करोड़ तक का इशू करोगे, कितने करोड़ तक का 15 करोड़। पर ऐसे अगर आपने 4-5 स्वीट इक्विटी कर दिया 4-5 सालों में, 4-5 स्वीट इक्विटी 4-5 सालों में, मेनी इश्यूज लाइक दिस ओवर द ईयर, मेनी इश्यूज लाइक दिस ओवर द ईयर शॉल नॉट एक्सीड, शॉल नॉट एक्सीड, ओवरऑल स्वीट इक्विटी शेयर के लिए कंडीशन बोलिए, मेनी इश्यू शॉल नॉट एक्सीड, नॉर्मल कंपनी में टोटल नंबर ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स 25% ऑफ पेडअप कैपिटल से एक्सीड नहीं कर सकते, मतलब इस साल 15% किया पेडअप कैपिटल का, तो आप नेक्स्ट ईयर अगर स्वीट इक्विटी कर रहे हो 10% ही कर सकते हो, टोटल 25 के ऊपर कभी नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ आप 2-2% के 12 बार करो 24%, आप 5-5% के 5 बार करो 25%, आप 1-1% के 25 बार करो 25 साल 25% कोई, पर 25% थ्रू आउट द लाइफ में कंपनी के ऊपर स्वीट इक्विटी नहीं जाएगा, 100 करोड़ का कैपिटल है 25 करोड़ के ऊपर जिंदगी में स्वीट इक्विटी शेयर नहीं जाएगा, और यहां 15 करोड़ करना जरूरी नहीं है, यह मैक्सिमम लिमिट है, इसे कम भी कर सकते हो। और अगर स्टार्टअप कंपनी, अब स्टार्टअप कंपनी में पैसा नहीं होता है और टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या दे सकते हो, तो आप शेयर ही दे सकते हो। आपने देखे होंगे कि काफी सारे नए नए शोज आते हैं आपके स्टार्टअप कंपनी के ऊपर, हायाना टीवी शोज आते हैं, आपने देखा होगा, मैंने भी बीच में देखे थे कि भाई साहब स्टार्टअप कंपनी के ऊपर एक शो आ रहा था, एस्पायरेंट्स नहीं आई डोंट नो एग्जैक्टली उसका नाम क्या है, काफी अच्छा शो था, 2 सीजन उसके निकले, बहुत अच्छा था मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें वो डायलॉग है तू बियर है, ठीक है वो दिखा रहा मैंने, तू बियर है उसके बाद वाली चीज नहीं बोल सकता तो गाली है, सो तू बियर करके ऐसा डायलॉग था, आपने शायद देखा होगा, किसी को नाम याद है तो कृपया एक बार कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है। सो स्टार्टअप कंपनी है, उनके पास पैसा नहीं होता है पर टैलेंट अट्रैक्ट करना है, तो उनको बोला है पहले दस साल तक नंबर ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर मैक्सिमम 50% हो सकते हैं पेडअप कैपिटल के, मतलब 100 करोड़ का उनका कैपिटल है तो 50 करोड़, 25 नहीं यहां पर करेक्शन कर दीजिएगा, 50 करोड़ के स्वीट इक्विटी शेयर हो सकते हैं, कितने करोड़ के बोले बाद 50 करोड़, ये चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए, क्लियर है आंसर। ये दोनों कंडीशन, मतलब एक बार करना है 15% और 5 करोड़ विच एवर इज लोअर, और अगर आपको बहुत बार करना है तो पूरी जिंदगी का मिलाकर 25% नॉर्मल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी 50%, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 5-4 एकदम सही वाली कंडीशन है, ठीक है तो ये चीज को याद रखना, एकदम सही है ठीक है, लेट्स गो। सो मैं चाहूंगा कृपया इसका मार्किंग कर ले और स्वीट इक्विटी शेयर को रीड कर ले, पिक्चर्स सही बात है, पिक्चर्स नाम है उसका, अबे शार्क टैंक रियलिटी शो है, मैं ऐसे ये बोल रहा हूं, शार्क टैंक नहीं, पिक्चर्स नाम है उसका, डन एवरीबॉडी, आगे बढ़े पक्का। सो ये बहुत बड़ा अच्छा खासा सेक्शन हो गया स्वीट इक्विटी शेयर्स का, सेक्शन नंबर 54 के बाद में हम अब आ रहे हैं सेक्शन नंबर 55 इज इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इस सेक्शन को जैसे आपको याद होगा रेगुलर बैच फास्टैग बैच में, हम इस सेक्शन को कहते हैं सार्वजनिक चीयू टाई, स्पैरो को हम बोलते हैं, स्पैरो होती है ना चिमनी, मराठी में चिमनी होती है ना स्पैरो, उसको चीयू
ताई कहते हैं, ठीक है, आप गलत मत सोचना, ठीक है, ये वैसा वाला ही सिचुएशन है, एकदम खतरनाक वाला, ठीक है, कि भाई साहब इसके ऊपर ना मराठी में एक कहानी हुआ करती थी, वो कहानी मैं आपको बोलूंगा, फिर ये सेक्शन पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिना वो कहानी बताई ये सेक्शन पढ़ाया नहीं जा सकता। एक बार क्या होता है, स्पैरो मतलब चीउ ताई, ठीक है, तुम अच्छा सोच, तुम गलत नहीं सोचना है, ठीक है। एक बार क्या होता है, एक कौवा होता है और एक चिड़िया होती है, चिड़िया का नाम होता है चीउ ताई, ठीक है, ठीक है, मराठी में उसको चीउ ताई कहते हैं। एक दिन क्या होता है, भयंकर बरसात आती रहती है, तूफान आंधी सुनामी आते रहती है, और कौवा बेचारा चीउ ताई के घर के सामने से जाते रहता है, चीउ ताई के घर के सामने से गुजरते रहता है कौवा, और इतने जोर से आंधी तूफानी और सुनामी वगैरह आती है, मतलब जो भी आता है, कि कौवा चीउ ताई के घर के सामने रुक जाता है, बोले पहचान के भाई आसरा दे देगी, ठीक है। तो कौवा चीउ ताई के घर के सामने जाता है और जोर से चिल्लाता है, चीउ ताई दारुगढ़, मतलब स्पैरो स्पैरो चिड़िया चिड़िया दरवाजा खोल, ऐसा कौवा बोलता है, हमें बचपन से ये स्टोरी पता थी, बड़ा होके डेवलप हो गई। सो चीउ ताई दारुगढ़, तो चिड़िया अंदर से बोलती है, चीउ ताई बोलती है, थाम मैं माझा बाळाला आंघोळ घालते है, कि रुक जा मैं मेरे बेटे को नहला रही हूं। कौवा बाहर मर रहा है, बिजली में तड़प रहा है, एखाड़ा करंट भी बैठा होगा, फिर चिल्लाता है, बोलता है चीउ ताई दारुगढ़, बोलते थाम मैं माझा बाळाला पाउडर लावते, मैं मेरे बच्चे को पाउडर लगा रही हूं, ठीक है, इधर कौवा मर रहा है, उधर पाउडर लाली लिपस्टिक चल रहा है भाई साहब। फिर कौवा बोलता है चीउ ताई दारुगढ़, चिवताई बोलते थाम मैं माझा बाळाला जेवायला घालते, इधर कौवा मर रहा है, उसकी हालत खराब है, अंदर भैया खिलाना काम, खाना खिलाने का काम चल रहा है, एंड में कौवा फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है चीउ ताई दारुगढ़, बोलते थाम मैं माझा बाळाला झोपवते, मैं मेरे बेटे को सुला रही हूं, एंड में कौवा फ्रस्ट्रेट होता है, बोलता है चीउ ताई गिरी ही खत्म नहीं हो रही, ठीक है, चीउ ताई गिरी खत्म नहीं हो रही, तो मतलब समझ तो तुम गए होंगे, उतने समझ तो समझ रहे हो, तो इतना तो तुम समझ ही गए होंगे जिंदगी के अंदर। तो किसी को भी तुमको जिंदगी में कभी बोलना हो कि ये वो इंसान है टाइप सी, आजकल सिर्फ केबल टाइप सी नहीं होती है, इंसान भी टाइप सी होता है, ठीक है, सो तुम्हें लगता है कि टाइप सी इंसान है, तो ऐसे सिचुएशन में चार्जर सिर्फ टाइप सी नहीं होता है, इंसान भी टाइप सी होता है। सो अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई टाइप सी इंसान है, तो उसका ऐसे गाली वाली नहीं बोलना, चीउ ताई दारुगढ़, समझ में आ रहा है। वैसा ही ये सेक्शन है, सेक्शन नंबर 55, और इस सेक्शन के अंदर डिस्कस किया जाता है भाई साहब प्रेफरेंस शेयर्स। मैं क्यों ये ऐसा कह रहा हूं आपको 2 मिनट में समझ में आएगा, कृपया ये चार्ट को देखे, थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि दर्शन सर ने कहानी क्यों सुनाया, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, फोकस करना अच्छे से, तो ही आपको क्लियर होगा। एवरीबॉडी प्लीज फोकस, रेडी लेट्स गो, मतलब आपको मजा ही आ जाएगा। सेक्शन पढ़ते, मैं तो जिंदगी में फ्रस्ट्रेट हूं, पागल हूं ये सेक्शन पढ़ा रहा हूं, मेरे को इस सेक्शन में लॉजिकल सेंस कुछ नहीं लगता, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं टीचर हूं, ठीक है, मेरा ही कार्यक्रम चीउताई जैसा ही चल रहा है, पर क्या करूं, तुम्हें पढ़ाना जरूरी है, मेरा बस चले सेक्शन को उड़ा दूं मैं जिंदगी के अंदर। पहली बात तो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो आप दो ही टाइप के इशू कर सकते हो, दो ही टाइप, एक ही टाइप के इशू कर सकते हो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल नहीं, रिडीमेबल, नॉन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अलाउड ही नहीं है। देखो हाँ, स्टेटमेंट क्या है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, रिडेम्पशन करना कंपलसरी है, रिडेम्पशन इज कंपलसरी, सो इरिडीमेबल, हे भगवान पेन के नहीं चल रहे, हाँ, सो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू ही नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर शॉल बी रिडीमेबल, नॉर्मली क्या, हमेशा रिडीमेबल ही होनी चाहिए। अब रिडीमेबल कितने साल में, नॉर्मली 20 इयर्स में का आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, रिडीमेबल इन 20 इयर्स, पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो होती है शेड्यूल 6 वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, वो 30 इयर्स तक के, कितने साल तक के, 30 इयर्स तक के प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, जिसमें 21st ईयर से 10% एवरी ईयर, ऐसा 10 इयर्स में एवरी ईयर 10% के हिसाब से, 10% एवरी ईयर के हिसाब से उनको 30th ईयर तक 100% रिडीम करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी शेड्यूल 6 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुमको शेड्यूल याद रहने चाहिए, ठीक है, अगर शेड्यूल याद नहीं है तो फटाफट शेड्यूल के नाम याद कर लो, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहेंगे, आई नो सेक्शन सी फॉर्म्स तो ठीक है, शेड्यूल भी याद चाहिए, और शेड्यूल याद नहीं है कंपनीज एक्ट के, और तुमने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, मतलब वाह वाह वाह, पूरे कितने शेड्यूल है कंपनीज एक्ट में फिलहाल, वो तो भी पता है क्या जीवन में कितने शेड्यूल है, ना लायक लोगों, एटलीस्ट वो तो भी कमेंट करके बोलो। शेड्यूल 1 किसका है, फटाफट आंसर देंगे सब, फटाफट सब आंसर देंगे, मैं देख रहा हूं, पहले कितने शेड्यूल है वो बोलो, फिर शेड्यूल 1 किसका है वो बोलो, शेड्यूल 2 किसका है बोलो, शेड्यूल 3 किसका है बोलो, शेड्यूल 4 किसका है बोलो, शेड्यूल 5 किसका है, शेड्यूल 6 एंड शेड्यूल 7, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हैं, 8 है, 9 है या 10 है, 8 9 या 10 बोलो,
ये रहा देख रहा हूं मैं नालक लोगों, बोले कंपनी जाक पढ़ लिया मैंने, कंपनी जाक पढ़ लिया मेरी पढ़ाई हो गई सर, मेरी पढ़ाई हो गई, मैं रैंक लाने वाला सर, और मेरे को घंटा शेड्यूल मालूम नहीं है। बहुत बढ़िया सांडदार। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल 7 ही होते हैं, कंपनी एक्ट में 7 ही शेड्यूल्स हैं, ठीक है। शेड्यूल्स में फॉर्मेट्स, लिस्ट, प्रोविजन, एडिशनल प्रोविजन, एक्सेप्शंस, ये चीजें दी जाती है, ठीक है। अब वो तो हमारा रिवीजन लेक्चर है, नहीं तो मैं पार्ट्स ऑफ लॉ के अंदर नॉर्मली ये समझाता हूं कि भाई शेड्यूल्स में क्या होता है करके, ठीक है। पूरा ध्यान बोर्ड पे। शेड्यूल 1 भाई साहब, शेड्यूल 1 है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मॉडल फॉर्मेट, मॉडल फॉर्मेट, ठीक है। ये हम देखते हैं चैप्टर 2 में, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर 2 के अंदर हम ये देखेंगे। शेड्यूल 2 में होते हैं डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन के रेट्स नॉर्मली हमारे काम में आता है चैप्टर नंबर 9 में, अकाउंट्स ऑफ कंपनी में। फिर शेड्यूल 3 में होते हैं बैलेंस शीट पीएनएल के फॉर्मेट, बैलेंस शीट एंड पीएनएल के फॉर्मेट्स। शेड्यूल 3 आपने सुना होगा ना, शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट, ये भी आपका चैप्टर 9 में यूज होगा हमको, ठीक है। फिर शेड्यूल 4 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये आपके काम का नहीं है, इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये आपके काम का नहीं है, ये सीए फाइनल लेवल पे आता है, था मतलब पहले आता था, अभी भी आता है सेल्फ पेस असेसमेंट मॉड्यूल के अंदर, सीए फाइनल में आता है। शेड्यूल 5 में क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी सीए फाइनल लेवल पे सेल्फ पेस असेसमेंट मॉड्यूल में आएगा आपको। फिर शेड्यूल नंबर 6, ठीक है, शेड्यूल नंबर 6 अभी हम देख रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो 30 साल तक के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, 20 नहीं 30 इयर्स तक के, वो आते हैं। एंड शेड्यूल 7 में सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन चैप्टर नंबर 9, ठीक है, अगेन चैप्टर नंबर 9, सेक्शन नंबर 135। अगर आप इनके सेक्शंस वगैरह देखो, दिस इज सेक्शन नंबर 4 एंड 5। डेप्रिसिएशंस का रेट आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज में जाएगा तो स्पेसिफिकली 128 में काम में आएगा, 129 में काम में आएगा, 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में भी काम में आता है। बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट स्पेसिफिकली 129-137 में काम में आएगा आपको। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन नंबर 4 से लेके सबसेक्शन नंबर 13। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेक्शन नंबर 196। प्रेफरेंस शेयर्स सेक्शन नंबर 55 एंड सीएसआर सेक्शन नंबर 135। ये है आपके शेड्यूल्स, इस प्रकार आपको शेड्यूल्स याद होने चाहिए। किसी को चाहिए तो पहले फोटो खींच लीजिए, ठीक है, ये आपके काम में आएगा, गो फॉर इट फास्ट। बहुत बढ़िया, जो लोगों को याद है जो आंसर दे रहे, शानदार बच्चों, जबरदस्त। रेणुका, अनिकेत, नमन, भाग्यश्री, बहुत बढ़िया। शेड्यूल्स याद होनी चाहिए, तुमने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया और तुम्हें शेड्यूल याद नहीं, मतलब ये नॉन बिलीवेबल चीज है गाइस, ठीक है, ठीक है। एक बार सेक्शन एक बार भूल गया चलेगा, पर शेड्यूल तो साथ ही है भाई साहब, और आपको इतने बार ये काम में आएंगे जिंदगी के अंदर, अगले 20 साल मतलब आपको काम ही इसी में करना है, आपको बहुत सारी हेल्प इन शेड्यूल से मिलेगी, ठीक है। ले लिया सबने फोटो, चलो बहुत बढ़िया, आ जाइए। तो शेड्यूल 6 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 30 साल तक के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। अब नीचे बोला गया है प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इशू करने के लिए आर्टिकल में कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं, कंपनी का इनबिल्ट राइट है, हर कंपनी का इनहेरेंट राइट है प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना। फिर दूसरा है फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स होने चाहिए, रिडेम्पशन फ्री रिजर्व्स में से होगा, और सीआरआर क्रिएट, जितना आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो उतना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज कैपिटल गायब होगा तो उसकी जगह पर सीआरआर रिजर्व में लाना तो पड़ेगा ना भाई साहब। फिर रिडेम्पशन प्रीमियम, ये प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से ही देना, हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम के लास्ट लेक्चर में यही बोला था मैंने कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आप प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम से दे सकते हो। नोटिस आरओसी को आपने फाइल करना है SH7 में 30 डेज के अंदर। ये चीज नॉर्मल है, केओए में अप्रूवल नहीं चाहिए, फुल्ली पेड होना चाहिए, फ्री रिजर्व से होना चाहिए, सीआरआर बनाना चाहिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रीमियम से देना चाहिए, SH7 में फाइल करना है। अब शुरू होता है सामूहिक चिउताई कार्यक्रम, सामूहिक चिउताई कार्यक्रम, ठीक है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान देना, बोले आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने चाहिए, 20 साल में रिडीम करना ही चाहिए, अरे करना ही चाहिए, अरे प्रेफरेंस शेयर 20 साल में रिडीम होना ही चाहिए, हमारी मांगे पूरी भरो 20 साल में रिडीम करो, हमारी मांगे पूरी भरो 20 साल में रिडीम करो, नहीं किया तो, नहीं किया तो, बोले कुछ नहीं, नहीं किया तो ही क्या जीवन क्या ही नहीं किया तो क्या, बोला ना, अरे नहीं किया कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, नहीं किया तो कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं, कोई जेल कुछ नहीं, ऊपर से क्या बोला है, बोले रिप्लेस कर लो ओल्ड शेयर्स विद द न्यू शेयर्स, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स ले लो, बोले नए शेयर्स दे दो, बोले वाह, बोले 20 साल में रिडीम करो, हमारी मांगे पूरी करो और प्रेफरेंस शेयर रिडीम करो, हमारी मांगे पूरी भरो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करो, नहीं किया तो, नहीं किया तो कुछ
नाही बोले ओढलेलं न्यू दे तू बोले ओळशेरलेलं न्यू दे तू बोले कथा मन नाही करत नाही कर पेनॉल्टी तो बोला नाही नाही पेनॉल्टी क्या जरूरत है जेल तो बोला जेल में पागल जीवन में हट ओढलेलं न्यू दे तू यहां शेयर होल्डर शॉल एग्री फॉर द रिप्लेसमेंट शेयर होल्डर ने 75% अप्रूवल पास करना है प्रेफरेंस शेयर जिनके शेयर रिडीम करने वही 75% बोलेंगे कि नहीं ओल्ड दो न्यू ले लो और अगर वो नहीं बोल रहे तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा ओल्ड दो न्यू ले लो मतलब क्या चल रहा है यहां कंपनी के सामने लोग खड़े प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी को बोल रहे हैं जैसे वो कौवा खड़ा था ना कंपनी चीउताई के सामने वैसे यहां पे कंपनी के सामने लोग खड़े हैं कौवा बोल रहा था चीउताई दारू खड़ी यहां लोग बोल रहे हैं अरे कंपनी देखो चीउताई भी सी से शुरू हो रहा है कंपनी भी सी से शुरू हो रहा है चेके कंपनी दरवाजा खोल प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर अंदर कंपनी नहीं नहीं रुक जाओ मैं तुम्हारे लिए ओल्ड प्रेफरेंस शेयर छोड़ के न्यू प्रेफरेंस दे रही हूं अरे कंपनी दरवाजा खोल नहीं नहीं रुक जाओ मैं ट्रिब्यूनल का ऑर्डर ला रही हूं अरे कंपनी दरवाजा खोल नहीं नहीं मुझे तुमसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है क्या चल रहा है फिर ये ऊपर बोला क्यों जिंदगी में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अच्छा ऐसा भी नहीं है जीवन में कि भाई कितने बार आप इसको रिप्लेस कर सकते हो बोले कितने भी बार कर सकते हो हर 20 साल में रिप्लेस करते रहो ओल्ड न्यू दो क्या चल रहा है कौन के मतलब बनाया क्यों फिर इररिडीमेबल बोला क्यों बोल दो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऐसा लीगल जिंदगी भर के लिए इशू करो जिंदगी के साथ बिन जिंदगी के बाद भी ये कोई सेंस है लॉजिक है कोई प्रोविजन का सर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए सर इतना चिल्ला रहे हो सर आप तो सर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर इशू किया आपने अगर नहीं रिडीम कर सकते कंपनी लिक्विडेट करो असेट को बेचो और प्रेफरेंस शेयर रिडीम करो ये होना चाहिए कोर्ट में केस होना चाहिए कंपनी लिक्विडेशन का इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टसी का केस फाइल होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने चाहिए नहीं तो हिम्मत नहीं है तो औकात नहीं है तो इशू क्यों किए बोल रहे प्रेफरेंस शेयर से रिडीम नहीं करने गलत है तो ये बहुत बड़ा तकलीफ है ये सेक्शन के अंदर चलिए एकदम दिमाग खराब हो जाता है मेरा सेक्शन पढ़ाने के बाद में जिंदगी के अंदर टोटल स्कैम है मतलब डिपार्टमेंट नहीं भाई लोगों ने नहीं भाई डिपार्टमेंट नहीं करके रखा है चलिए डिपार्टमेंट नहीं करके रखा है काय को बनाया सेक्शन जिंदगी के अंदर क्या ही मालूम पढ़ाना भी पड़ रहा है सो प्रेफरेंस शेयर्स फिक्स डिविडेंड आता है ऑर्डिनरी भाई कर लो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोले नॉट अलाउड क्या टाइप सी वाला स्टेटमेंट है जीवन में टाइप सी स्टेटमेंट लिख के रखो टाइप सी याद आएगा तुमको जीवन में रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स 20 years, 30 years शेड्यूल 6 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एओए का अप्रूवल नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड होने चाहिए फ्री आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स आपने रिडीम करने चाहिए आरओसी को SH7 फाइल करो अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर्स है भाई साहब तो ऐसे कुछ नहीं है कंपनी दरवाजा खोल भाई ठीक है NCRR बना लो बोले खत्म बात कुछ है ही नहीं उसके अंदर पढ़ लो रट लो और क्या करेंगे क्या भिखारी गिरी है क्या मालूम जीवन में चल सो यहां प्रेफरेंस शेयर्स का सेक्शन 55 होता है खत्म आगे बढ़े गाइज नेक्स्ट वाला सेक्शन है 56 ट्रांसफर ट्रांसमिशन का पहले तो भाई साहब ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का डिफरेंस समझ लो ट्रांसफर नॉर्मली दो जिंदा लोगों के बीच में होता है ट्रांसमिशन एक तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट से होता है या तो फिर कोई लीगल एक्शन से होता है या तो फिर एक जिंदा और एक मृत व्यक्ति के बीच में यह हो सकता है सो ट्रांसफर नॉर्मली वॉलेंटरी होता है देखो सिंपल सी बात है ट्रांसफर अगर करना है ट्रांसफर ऑफ शेयर रेफर टू अ ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स वॉलेंटरीली बाय वन पार्टी टू अनदर वॉलेंटरीली एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को ट्रांसफर करना चाहिए ठीक है दूसरा ट्रांसमिशन ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ठीक है ट्रांसफर कैसे होता है डिलिबरेट एक्ट ऑफ पार्टीज पार्टीज खुद होकर करते हैं ट्रांसमिशन भाई कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रांसमिट हो जाएंगे डेथ हो गया बाप के बेटे शेयर्स बेटे को मिल जाएंगे इनहेरिटेंसी ल्यूनेसी इसकी वजह से हो सकता है ट्रांसफर के बीच में ट्रांसफर ही रहता है ट्रांसमिशन में लीगल हेयर या रिसीवर रहता है एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर में आपको रहता है कि भी आप किसी को शेयर बेच रहे हो तो पैसा तो मिलेगा ना भाई साहब ट्रांसमिशन में बाप जब बेटे को शेयर देता है तो क्या कंसिडरेशन लेता है नहीं नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड नीचे शेयर ट्रांसफर डीड जरूरी है ट्रांसमिशन में कोई डीड जरूरी नहीं है ट्रांसफर लाइबिलिटी सीज टू बी कंटेम्पलेशन ऑफ ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर की लाइबिलिटी ये ट्रांसफर भी हो सकती है नहीं भी लेकिन ट्रांसमिशन में ओरिजिनल लाइबिलिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बाप की अगर कोई लाइबिलिटी है उस असेट के खिलाफ तो चलेगी बेटे तक के पेएबल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स नो नीड टू पे द स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी जो है वो आपको ट्रांसफर में देना पड़ेगा पर बाप ने अगर बेटे को शेयर ट्रांसफर किए तो क्या स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है नहीं ट्रांसमिशन में नहीं लगता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रांसफर रिफ्यूज कर सकते हैं
पर बाप अगर बेटे को शेयर देना चाहता है ट्रांसमिशन में तो बोर्ड रिफ्यूज नहीं कर सकता, वो तो इनहेरेंट राइट है ना, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट रिफ्यूज। एग्जांपल, एक्स ने वाई को शेयर ट्रांसफर किए, ए ने बी को शेयर ट्रांसमिट किए डेथ के केस में, चाहिए तो डिफरेंस एक बार पढ़ लो। तो ऊपर ट्रांसफर ट्रांसमिशन के कुछ पॉइंट दिए हैं, 7 पॉइंट, उसको मैं मार्क कर रहा हूं फटाफट, फिर मैं आपको पढ़ने का समय दूंगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर व्हेन द टाइटल इज ट्रांसफर्ड वन वरम पर्सन टू अनदर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। कंपनी अगर लिक्विडेशन वगैरह में जाए ट्रांसमिशन ऑफिशियली हो सकता है। नंबर ऑफ शेयर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिए जाएंगे, ऑफिशियल असाइनी रिसीवर को दिए जाएंगे, एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर को दिए जाएंगे, और ऐसे सिचुएशन में अगर आपने डिक्लाइन किया तो आपके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। वाइंडिंग अप में आपके शेयर ट्रांसमिट हो सकते हैं, ये चीजें बोलिए। तो एक्चुअली सेक्शन के अंदर 56 का ओरिजिनल कंटेंट बहुत काम का है, ऐसा नहीं है, मेन डिफरेंस आपके काम में आएगा, बट ठीक है, दोनों का दोनों एक मिनट के अंदर रिवाइज कर लो, गो फॉर इट फास्ट। Sure, done everybody. So, यहां सेक्शन नंबर 56 होता है खत्म। ये होने के बाद है 57 है पनिशमेंट फॉर परसोनेशन। परसोनेशन मतलब फ्रॉड। आपने अलग अलग गलत गलत पर्सनालिटीज बनाया और कंपनी के शेयर में फ्रॉड कर दिया। जैसे मैं दर्शन, मैंने पर्सनालिटी बनाई दूरदर्शन प्रदर्शन, क्योंकि देखो आईपीओ में किसी भी बंदे को 2 लाख तक के शेयर मिलते हैं। अब कोई कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे उसके बहुत सारे शेयर चाहिए और मैंने दर्शन दूरदर्शन प्रदर्शन सुदर्शन ऐसे अलग अलग आइडेंटिटी बनाए, तो ऐसे केस में परसोनेशन या फ्रॉड माना जाएगा। तो डिसीटफुली आप परसोनेट कर रहे हो, परसोनेट कर रहे हो मतलब अलग अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। ऑप्टेंस और अटेम्प्ट टू ऑप्टेन सिक्योरिटी ड्यू टू विच आपको जेल हो सकता है 1 year to 3 year, फाइन लग सकता है 1 लाख से 5 लाख। इजी है, सेक्शन पेनल्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है। नीचे रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल, आप रजिस्ट्रेशन और अपील कर सकते हो रिफ्यूजल के अगेंस्ट। किस प्रकार प्राइवेट कंपनी जो है नॉर्मली, ये सेक्शन पब्लिक में नहीं लगता है, मेनली प्राइवेट कंपनी में ही लगता है। बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड को ध्यान देना। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं मेरे ओरिजिनल चार्ट में जाना चाहूंगा सेक्शन के, क्योंकि वो समझाने के लिए आसान भी होगा और आपको समझ में भी आएगा। बहुत अच्छे तरीके से। अब इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू रजिस्टर, रिफ्यूजल टू रजिस्टर मतलब क्या है कि आपने किसी को शेयर ट्रांसफर कर दिए, जैसे मैंने आपको शेयर ट्रांसफर कर दिए और ये ट्रांसफर आपको कंपनी में रजिस्टर करना है, मैंने आपको टीसीएस के शेयर ट्रांसफर कर दिए या टीसीएस के शेयर आपको कंपनी में रजिस्टर करना है, आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर पे आना है, तो ऐसे केसेस में कंपनी रिफ्यूज कर सकता है कि भाई साहब आपको मेंबर नहीं बनने दिया जाएगा, कंपनी आपको मेंबर बनने से रोक सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में किस प्रकार आप मेंबर बन सकते हो, कैसे आप अपील कर सकते हो, किस प्रकार आप मेंबर बन सकते हो, उसका प्रोसेस अब यहां पर दिया गया है। ठीक है, सो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है वो नॉर्मली 60 डेज के अंदर SH4 SH5 में आपने कंपनी में रजिस्टर करना चाहिए। सेक्शन 56 में SH4 SH5 में सेक्शन 60 डेज के अंदर आपने कंपनी में रजिस्टर करना चाहिए ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब अगर ये पब्लिक कंपनी है तो देखो पब्लिक कंपनी नॉर्मली किसी के ट्रांसफर रोकती नहीं है भाई साहब, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो नॉर्मली रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर होते हैं। अनलेस इट इज अ फ्रॉड या बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है या देश के खिलाफ है तो पब्लिक कंपनी ट्रांसफर नहीं रोकती है, तो पब्लिक कंपनी का टेंशन नहीं, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। पर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के तो डेफिनेशन में लिखा है रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड, कि आपके शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। तो 90% ऑफ केसेस में प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर रिजेक्ट कर देती है, 90% केसेस में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर प्राइवेट कंपनी रिफ्यूज किया तो क्या होगा, पब्लिक में से 10% केसेस होते हैं हार्डली जिसमें रिफ्यूजल होता है, पर दोनों केसेस में यह जानना जरूरी है कि रिफ्यूजल किया तो क्या होगा।
तो बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, तो फोकस करना, तो समझ में आएगा भाई साहब, अदरवाइज नहीं। जैसे प्राइवेट कंपनी का पहले लेते, प्राइवेट कंपनी का पहले लेते, रिफ्यूजल हुआ तो क्या करोगे आप, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। जिस दिन आपने एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर किया, कंपनी ने आपको रिफ्यूज कर दिया, है 30 दिन में, मतलब आपने एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर कर दिया शेयर ट्रांसफर का 1 जून 2025, तो कंपनी ने आपको 1 जुलाई 2025 को मना कर देना है कि नहीं भाई आप शेयर होल्डर नहीं बन सकते। और वो जो रिफ्यूजल आया, वहां से 30 डेज में आप एनसीएलटी को अपील कर सकते हो, ठीक है? 30 दिन में और 30 डेज में फर्दर आप अपील कर सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो 30 दिन में और 30 डेज में आप फर्दर अपील कर सकते हो। सो 30 डेज में कंपनी ने मना करना है और 30 डेज में अपील करना है, सिंपल। सो 31 जुलाई तक आप अपील कर सकते हो। लेकिन आपने एप्लीकेशन किया कंपनी को, पर रिफ्यूजल आया ही नहीं, कोई रिफ्यूजल नहीं आया। आपने कंपनी को एप्लीकेशन किया था, बट देयर इज नो रिफ्यूजल, कोई भी रिफ्यूजल नहीं आया, कोई ऑर्डर भी नहीं आया। तो जिस दिन एप्लीकेशन किया, वहां से 60 दिन में, 30 प्लस 30, तो आपने एप्लीकेशन किया, ऑर्डर नहीं आया ना, तो जिस दिन एप्लीकेशन किया वहां से 60 दिन में आप एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हो। जिस दिन एप्लीकेशन किया वहां से 60 डेज में आप एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हो। यह चीज को आपको याद रखना है, ठीक है? दूसरी बात, सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है, पब्लिक कंपनी के सिचुएशंस में क्या होगा। पब्लिक कंपनी के सिचुएशन में बहुत सिंपल है, आपने एप्लीकेशन करना है 1 जून को, 30 दिन में, 30 डेज में, जैसे मैंने आपको बोला 30 डेज में कंपनी एक तो हां बोलेगी नहीं तो ना बोलेगी, ठीक है? कंपनी 30 डेज में रिफ्यूज किया, पब्लिक कंपनी में 60 डेज मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 60। तो टोटल अगर आपने एप्लीकेशन किया 30 डेज में रिफ्यूजल, 60 डेज में अपील, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन किया और रिफ्यूजल ऑर्डर नहीं आया, नो ऑर्डर इज रिसीव्ड, तो आप 90 डेज में अप्लाई कर सकते हो एनसीएलटी को। कितने डेज में बोले एक बार? 90 डेज। इस प्रकार से रिफ्यूजल की चीजें कम्युनिकेट की है। सो प्राइवेट में याद रखो 30 30 60, पब्लिक में 30 60 90। क्लियर है कांसेप्ट? इस प्रकार आप रिफ्यूजल कम्युनिकेट कर सकते हो। किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और रिफ्यूजल को समझ लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आ रहा है क्या? कृपया कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे गाइस। डन एवरीबडी? अच्छा, समझ में आ गया सबको? तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। दिस इज फॉर द रिफ्यूजल। अब रिफ्यूजल के अगर आप आंसर राइटिंग पॉइंट्स देखो, फटाफट उसको रट लो, तो आपका रिफ्यूजल वाला कंटेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखो, सिंपल सी बात बोली गई है कि भाई साहब कोई भी कंपनी है, रिफ्यूजल उसने देना चाहिए। रीजन फॉर रिफ्यूजल पहले तो देना चाहिए, क्यों रिफ्यूज करे। प्राइवेट कंपनी में 30 डेज में रिफ्यूज होगा, कोई ऑर्डर नहीं आया 60 डेज में आप अपील कर दो, ठीक है? रिफ्यूजल नॉर्मली 30 डेज में आएगा वहां से। अच्छा, यहां पे ये बात याद रखना, रिफ्यूजल का ऑर्डर नॉर्मली 30 दिन में आता है, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? नॉर्मली 30 डेज में आता है, हम अज्यूम कर रहे हैं। नीचे पब्लिक कंपनी में 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल में अपील करो, या 90 डेज अगर कम्युनिकेशन नहीं आया है। अगर इस सिचुएशन में कोई एग्रीव्ड पार्टी है, डैमेजेस वगैरह चाहिए, तो 1 year to 3 year का जेल और 1 lakh to 5 lakh ये आपको डैमेजेस में मिल सकता है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 59 आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। कि कभी अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कंपनी में कि आपका नाम जबरदस्ती रजिस्टर ऑफ मेंबर में ऐड किया गया है, या आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से जबरदस्ती ओमिट किया है, आना चाहिए था पर कंपनी ने ओमिट कर दिया, या आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में डालने में डिले है, बहुत इजी सेक्शन है। एक तो नाम आपका ऐड कर दिया जबरदस्ती जो नहीं आना चाहिए था। आप बोलोगे सर नाम ऐड किया तो अच्छी बात है, नाम ऐड किया और वाइंडिंग अप हो गया तो पैसा देना पड़ जाएगा तुमको, ठीक है? सो नाम ऐड करना अच्छी बात नहीं होती है। सो नाम जबरदस्ती ऐड किया है या ओमिट कर दिया, ऐड करना चाहिए था, मेंबर तुम थे, बेनिफिट मिल रहे थे पर ओमिट कर दिया, या डिले हो रहा है कि नाम ऐड ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो एनसीएलटी को। एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा, एक तो अपील डिसमिस करेगा, 10 डेज में करेक्शन ऑर्डर पास करेगा कि भाई नाम वाम सब ठीक कर दो, या चौथा रेक्टिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड कर देगा। तीनों ऑर्डर पास कर सकता है, डिसमिस या ऑर्डर, या तीनों में से कोई भी हो सकता है। सो ये तो डिसमिस तो और है, बाकी दोनों एंड है, ये चीज को याद रखना, ठीक है? चल नीचे सेक्शन 61 अल्टरेशन ऑफ कैपिटल। ये सेक्शन में आपको इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में समझाऊंगा, ठीक है? इसके पीछे रीजन ये है कि इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में कैपिटल क्लॉज अल्टरेशन में ये चीज वैसे भी आती है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ पढ़ाया जाएगा, एमओए के साथ में, सेक्शन 14 और 13 के साथ। नीचे अगला है सेक्शन नंबर 62, फर्दर इशू ऑफ कैपिटल। अब फर्दर इशू ऑफ कैपिटल ये खतरनाक वाला सेक्शन है, बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से, और बहुत अच्छे से ध्यान दोगे तो ही समझ में आएगा, अच्छा सेक्शन है। नॉर्मली कंपनी ने ओरिजिनल इशू कर दिया है, ओरिजिनल शेयर इशूड है,
और कंपनी को नया इशू करना है तो कंपनी क्या कर सकता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट शेयर्स दे सकता है, यह सेक्शन मेनली राइट इशू के लिए बना है, राइट शेयर दे सकता है, या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन से ESOP ESPS दे सकता है, या तो फिर एनी थर्ड पर्सन को कंपनी इशू कर सकता है, थर्ड पर्सन को भी इशू कर सकता है, सिर्फ प्राइस उसको सेपरेटली डिसाइड करनी पड़ेगी, बाकी तो डिस्काउंटेड प्राइस है, राइट इशू में आपको डिस्काउंट दे सकते हो, हमने अभी अभी देखा ESOP ESPS में आप डिस्काउंट दे सकते हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स में ये भी हमने देखा, सो राइट इशू के लिए भी हमने डिस्काउंट देखा सेक्शन 53 में, ESOP ESPS सेक्शन नंबर 54 में, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपको ये करना है तो इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, एग्जाम मैंने रेगुलर के बैच के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत अच्छे से फोकस करना, शांति से पढ़ा रहा हूं, ये पांचों कंडीशन बच्चे याद नहीं रख सकते, तो पहले तो इसको लिखो साइड में रिमेंबर, प्रॉपरली इसको रिमेंबर करना जरूरी है, बच्चे भूल जाते हैं, हाँ ठीक है। सो पहला नोटिस दो कि कितने नंबर ऑफ शेयर ऑफर कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहले कितने शेयर इशू कर रहे हो वो बताओ, दूसरा 15 डेज से मिनिमम नोटिस नहीं होना चाहिए और 30 डेज से ज्यादा ऑफर क्लोज नहीं होना चाहिए, मतलब ऑफर मिनिमम 15 दिन ओपन होना चाहिए, मैक्सिमम 30 डेज, मतलब अगर आपने राइट इशू के लिए ऑफर ओपन किया, ESOP ESPS के लिए ऑफर ओपन किया, न्यू इशू के लिए ऑफर ओपन किया, ओपन किया मतलब जब से आप एप्लीकेशन लेना शुरू करेंगे, व्हाट इज ओपन टेक एप्लीकेशन या एक्सेप्ट एप्लीकेशन, कब से आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट करोगे, ओपन का डेट, ठीक है, जब से आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट करोगे, समझो ओपनिंग का डेट है 1 जून 2025, मैं कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूं लॉजिकली, तो आपका क्लोजर का जो डेट है, क्लोजर मतलब आपने क्लोजर कर दिया मतलब नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, नो एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, कि आप जिस दिन से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना बंद कर दोगे, तो क्लोजर का जो डेट है वो बोला गया है क्लोजर का डेट दैट इज 15 से लेके 30 डेज तक, इधर 15 डेज और मैक्सिमम 30 डेज, अब 1 जून से 15 डेज अगर आप कैलकुलेट करोगे मतलब 1 जून ओपनिंग का है, ओपनिंग का भी डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ओपनिंग का मिला के 15th ऑफ जून 2025 तक के मिनिमम 15 डेज तक के मिनिमम ओपन रखना है, मिनिमम ओपन रखना है मतलब आप 15th जून तक के इसको मिनिमम ओपन ही रखोगे, और आप 30 डेज तक मैक्सिमम मतलब 30 जून 2025 इंक्लूडिंग ओपनिंग का डेट, हाँ इंक्लूडिंग ओपनिंग का डेट 30 जून मैक्सिमम 30 डेज तक के आप इसको ओपन रख सकते हो, दिस इज मैक्सिमम मतलब कितने दिन तक आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हो ये इस लिमिट में, ठीक है। अब मैं अगर आपको सवाल पूछूं कि मुझे क्लोजर करना है, ठीक है, मुझे क्लोजर करना है 10 जून को, आई वॉन्ट टू क्लोज, तो 10 जून को मैं क्लोज कर सकता हूं, नहीं कर सकता, मुझे 10 जून को क्लोज करना अलाउड नहीं है। फिर मैं अगर आपको सवाल पूछता हूं कि मुझे क्लोजर करना है, ठीक है, मुझे क्लोजर करना है 20 जून को, आई वॉन्ट टू क्लोज ऑन 20 जून, मुझे क्लोजर चाहिए 20 जून को, तो क्या मैं 20 जून को क्लोज कर सकता हूं, यस कर सकता हूं, 20 जून तक के जितने एप्लीकेशन आए उसको इशू कर दो। क्या मैं 25 जून को क्लोज कर सकता हूं, 25 जून को क्लोज कर सकता हूं, तो यस मैं 25 जून को भी क्लोज कर सकता हूं। सवाल है क्या मैं यह एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना 5 जुलाई को क्लोज, या 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2025 को मैं इसको क्या क्लोज कर सकता हूं, मैं 1 जुलाई 2025 को क्या मैं इसको क्लोज कर सकता हूं, तो आंसर है नहीं कर सकते, आपको पहले ही क्लोज करना पड़ेगा, क्लियर है। तो इससे डिसाइड होता है कितने दिनों तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगे, ये चीज को आपने याद रखना, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम सही पॉइंट है भाई साहब, ये सही है, याद रखना। नीचे नोटिस शैल बी सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजिए, मिनिमम 3 डेज का नोटिस भेजिए, नोटिस AOA में भेजिए, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्पोज ऑफ कर रहा है शेयर नॉट डिसएडवांटेजेस, तो ऐसे केसेस में नोटिस एक्सपायर हो जाएगी एक्सेप्टिंग द ऑफर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोलना चाहिए कि नोटिस किस दिन एक्सपायर हो रही है और जो शेयर एक्सेप्ट नहीं हुआ है उसके साथ कैसे डील करोगे, वो शेयर को आप कैसे बेचोगे, ये बोलना है। ये मस्त सेक्शन है, सेक्शन नंबर है आपका 62 फर्दर इशू ऑफ कैपिटल, ठीक है। सो यहां देखो वही चीज बोली जो मैंने बोली, आप राइट इशू कर सकते हो GMSR से, ESOP ESPS या थर्ड पर्सन इशू, ऑफर करो नंबर ऑफ शेयर 15 से लेकर 30 दिन तक ओपन रहेगा, 3 दिन का नोटिस देना जरूरी है, राइट टू रिनाउंस, हाँ राइट इशू अगर आप किसी को दे रहे हो तो रिनाउंसमेंट होगा, जैसे TCS ने राइट शेयर आपको इशू किए, TCS ने आप शेयर होल्डर थे TCS के, आपको राइट शेयर मिले, वो शेयर आप मेरे नाम पे रिनाउंस कर सकते हो, पैसा मैं दूंगा, ठीक है, अनाउंसमेंट अलाउड है, मैं ले सकता हूं आपने अगर मुझे दिए तो, ठीक है, रिलेशन होना जरूरी नहीं है, हैव राइट टू डिस्पोज ऑफ द शेयर्स, आप रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी एप्लीकेशन या नोटिस दे सकते हो, CGSG इसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, 60 डेज में आप अपील कर सकते हो अगर आपको लगता है कि भैया प्रॉपरली फर्दर इश्यू एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो ये चीज को मेंशन किया गया है।
और कन्वर्जन वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फर्दर इशू में शेयर मांग सकता है. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको लोन देकर रखा है डिबेंचर्स, गवर्नमेंट कंपनी को नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है भैया हमने आपको लोन दिया गवर्नमेंट कंपनी को, एक काम करो यार ये लोन के बदले में शेयर दे दो या डिबेंचर्स दे दो, तो उस केस में आप फर्दर इशू गवर्नमेंट कंपनी सीजी को कर सकता है. ठीक है, ये चीज को याद रखना. यह होता है आपका सेक्शन नंबर 62 खत्म. ठीक है, सेक्शन नंबर 62 खत्म होने के बाद में नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 63. चाहिए एक मिनट लीजिए, 62 रिवाइज कर लीजिए. डन एवरीबडी, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, फोकस करना अच्छे से. नाउ वी आर गोइंग फॉर बोनस इश्यू. बोनस इश्यू के लिए पाढ़ा, ये पाढ़ा याद रखो, आपको बोनस इश्यू याद आ जाएगा. ये पाढ़ा, थ्री का पाढ़ा, थ्री का टेबल, तीन एक तीन, सिंपल, तीन एक तीन. ठीक है, बस ये टेबल याद रखो, बोनस इश्यू आपका है, गारंटी से बोल रहा हूं. ठीक है, टेंशन मत लो. तीन एक तीन, तीन दूने सहा, 3 2 6, तीन त्रिक, त्रिक कैसे लिखते हैं जीवन में हिंदी में, मतलब मराठी में लिख रहा हूं एक्चुअली, तीन त्रिक दहा, तीन त्रिक दहा. सो तीन का तीन, तीन दोनों सात, तीन त्रिक दहा. सर क्या बात कर रहे हो जिंदगी में आप, तीन ये वर्ड याद रखो, आपको बोनस इश्यू याद आ जाएगा. ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना. सबसे पहले बोनस इशू की तीन अप्रूवल्स, बोनस इशू के तीन अप्रूवल, थ्री अप्रूवल. बोनस इशू के तीन सोर्सेस, थ्री सोर्सेस. बोनस इशू के तीन कंडीशंस, कंडीशंस भी तीन. सो तीन का तीन, तीन दोनों सहा, पर दहा नहीं हुआ, अब नाइन ही हुआ है. थ्री वन जा थ्री, थ्री जीरो सिक्स, थ्री जीरो नाइन, नाइन हुआ नहीं है. सो बोनस इशू के तीन कंडीशन, एक और कंडीशन डिविडेंड का, कंडीशन ऑफ डिविडेंड. ठीक है, डिविडेंड कंडीशन वन. सो तीन का तीन, तीन दुने सात, तीन तक दहा, तीन अप्रूवल, तीन सोर्सेस, तीन कंडीशन. आप याद कर लो, दस कंडीशन याद, दस के दस पॉइंट बोनस इशू के लिख सकते हो. तीन अप्रूवल कौन से, आर्टिकल ने ऑथोराइज करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी सोल्यूशन, जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी सोल्यूशन. तीन अप्रूवल, आर्टिकल, बोर्ड, जनरल मीटिंग. तीन सोर्सेस, सीआरआर सबसे पहला सोर्स है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये बोनस इशू के लिए यूज होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस. सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सेकंड प्रेफरेंस में. जनरल रिजर्व बहुत जनरल होता है, इसलिए थर्ड प्रेफरेंस. तीन सोर्सेस, सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व. तीन कंडीशंस, शेयर फुल्ली पेड अप होनी चाहिए, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय ड्यूज जो है, प्रोविडेंट फंड नहीं, आई विल राइट प्रोविडेंट फंड टू एग्जांपल है, एम्प्लॉय ड्यूज फुल्ली पेड होनी चाहिए, एंड डिपॉजिट्स रिपेड होने चाहिए. ठीक है, डिपॉजिट और इंटरेस्ट, डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट रिपेड होना चाहिए. ये तीन कंडीशन. और एक कंडीशन ऑफ डिविडेंड, बोनस इन लियो ऑफ डिविडेंड इज नॉट अलाउड. बोनस इन लियो ऑफ डिविडेंड इज नॉट अलाउड. व्हाट इज बोनस इन लियो ऑफ डिविडेंड इज नॉट अलाउड. बोनस इन लियो ऑफ डिविडेंड मतलब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया 10 करोड़ का, आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया 10 करोड़ का, तो 10 करोड़ कैश में डिविडेंड ही दो, उसके जगह पे बोनस शेयर आप नहीं दे सकते. 10 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया कैश में दो, उसके जगह पे बोनस शेयर आप नहीं दे सकते. ठीक है, सो तीन अप्रूवल, कौन सी तीन अप्रूवल, फटाफट सब लिखेंगे.
तीन अप्रूवल फटाफट सब लिखेंगे, कौन से दिन अप्रूवल? एओए, बोर्ड ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी, सब जन कमेंट करेंगे, एओए, बोर्ड ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी, तीन सोर्सेस, सब लोग कमेंट करेंगे वरना याद नहीं होगा तुमको, तुम्हारे एक्स की कसम, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा, वाई की कसम, तुम्हारा एक्स नहीं तो वाई के साथ भाग जाएगा, लेट्स गो, तीन अप्रूवल्स, ठीक है, एओए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मीटिंग, तीन सोर्सेस, सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व, तीन कंडीशंस, सबसे पहले भाई साहब आपका फुल्ली शेयर पेड होना चाहिए, दूसरा एम्प्लॉइज के ड्यूज रिफंड कर रहे हैं, डिपॉजिट और इंटरेस्ट देना है, तीन, और एक डिविडेंड का कंडीशन, बोनस इन लिव ऑफ डिविडेंड नॉट अलाउड, कैश डिविडेंड, डिविडेंड में ही पे करना है, कैश में, बोनस में आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, फटाफट फटाफट 10 कंडीशन है, आप आंसर राइटिंग पॉइंट में भी देखो तो आपको यही कंडीशन जिंदगी के अंदर मिलेगी, आप देखो इट इज अस कैपिटलाइजेशन ऑफ द शेयर्स, कंडीशंस क्या क्या बोलिए, ऑथोराइज हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मीटिंग, फुल्ली पेड होना चाहिए, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर, फिर उसके बाद में कंडीशंस, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉई पीएफ वगैरह, डिपॉजिट्स एंड डेट्स का, नो बोनस इशू, आप बोनस इशू नहीं कर सकते, बोनस इन लियो ऑफ डिविडेंड इज नॉट अलाउड, खत्म बात, हाँ बोनस शेयर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से बिल्कुल नहीं कर सकते, ये भी आपने याद रखना चाहिए, हालांकि हमने सोर्सेस ही बोले तो उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व वैसे भी नहीं था, ठीक है, एक मिनट लीजिए, बोनस इशू को रिवाइज कीजिए, डन एवरीबॉडी, हो गए कई शानदार, बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, दीपाली, रेणुका, सत्यम, विनय, बागेश्वरी, अंकित, श्रेया, करिश्मा, जबरदस्त, इधर कमेंट करो, ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा फटाफट फटाफट। अच्छा, इसके बाद में सेक्शन बहुत सिंपल है, फ्लाइंग विद द आरओसी, कंपनीज एक्ट में जितने जगह पे कैपिटल का अल्टरेशन है वो सब जगह आरओसी के साथ फ्लाई करने का, ठीक है, कैपिटल एंटर किया, आरओसी के साथ फ्लाइंग फ्लाइंग फ्लाइंग, ठीक है, स्लोली फ्लाइंग फ्लाइंग, समझ में आ रहा है, सो बहुत अच्छे से ध्यान देने का। सो कौन कौन से ऐसे एक्शन है जिसमें फ्लाइंग विद आरओसी करना चाहिए, कौन कौन से एक्शन में आरओसी के साथ उड़ना जरूरी है, 48 वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, अल्टरेशन हुआ तो, 49 कॉल किया तो, 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स, 55 प्रेफरेंस शेयर्स, 61 अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, 62 फर्दर इशू, 63 बोनस इशू, 66 रिडक्शन, 68 बीबी बायबैक, सो इन सेक्शंस में अल्टरेशन ऑफ कैपिटल होता है, SH7 आरओसी को 30 डेज में फेंक के मारो, फिर आरओसी के साथ फ्लाइंग कर लो, फाइलिंग विद द आरओसी, फ्लाइंग विद द आरओसी, फाइल टू द कंपनी, नॉर्मली आपने फाइल करना है, पेनल्टी लगेगा 500 फॉर ईच डे, मैक्सिमम 5 लाख तक के कंपनी को, मैक्सिमम 1 लाख तक के ऑफिसर को, बहुत सिंपल सेक्शन, 30 दिन में SH7 अल्टरेशन ऑफ कैपिटल में फाइल कर दो कंपनी ने आरओसी को, कंपनी फेल होता है ₹500 पर डे मैक्सिमम 5 लाख, ऑफिसर फेल होता है 1 लाख, ये हो गया, 65 डिलीटेड है, 65 डिलीटेड है, आरओ 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल, रिडक्शन ऑफ कैपिटल छीछी रिडक्शन, छीछी रिडक्शन, ये अगर आपको रिडक्शन ऑफ कैपिटल बहुत अच्छे समझना है तो आपको मेरे साथ साथ में एक्शन करने पड़ेंगे, तो इमीडिएटली रिडक्शन ऑफ कैपिटल आपको याद हो जाएगा, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के कुछ अप्रूवल है मेरे साथ साथ, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, जो एक्शन नहीं करेगा, जो एक्शन नहीं करेगा उसकी शादी में बरसात आएगी, उसकी शादी में पानी आएगा, पानी आएगा मतलब बरसात आएगी, भिखारी लोगों बरसात आएगी, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, फिर तुम सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे और बरसात की वजह से कहीं घूमने भी नहीं जा पाओगे, मतलब वो शादी के बाद घूमने जाते हैं ना, तो तुम घूमने जा भी नहीं पाओगे, घूमने नहीं जा पाओगे तो वो कैसे होगा, वो नहीं होगा तो वो कैसे होगा, मतलब अरे घूमने नहीं जा पाओगे तो एंजॉय कैसे करोगे, एंजॉय नहीं कैसे करोगे तो मजा कैसे आएगा, हाँ ना, ये बोल रहा हूं मैं, तुम गलत मत सोचो, ठीक है, सो बहुत अच्छे से पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, वरना शादी के बाद घूमने नहीं जा पाओगे क्योंकि बहुत सारी बरसात आएगी, ठीक है, हालांकि असली मजा बरसात नहीं, एनीवेज आगे बढ़ते ध्यान देना, लेट्स गो, नाइट फोकस, ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपको याद करना मेरे साथ एक्शन करो करो करो, अरे ऐसे नहीं नालायक, ऐसे बहुत बढ़िया, फिर लेफ्ट फिर राइट, 1 2 3 4 समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, सो सब जन करेंगे, अगर आप कमेंट कर सकते हो स्माइली के साथ, हैंड एक्शंस के साथ, और हैंड एक्शन सिर्फ ये वाले नालायक लोगों, अच्छे वाले भिखारी लोगों, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है, 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गया, फिर 5वां ऐसा,
आशीर्वाद देते ना भगवान जैसे। पांचवा, छठवा, ऐसा वाला जैसे पैसे मांग रहे हो किसी को, पैसा दे, विजय देना चौहान हाई हाई, ठीक है वैसा वाला। सो अवश्य 1 2 3 4, 1 2 3 4, पांचवा, छठवा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, 6 अप्रूवल्स ऐसे ही याद रखना, 1 2 3 4, पांचवा और छठवा, 1 2 3 4, पांचवा छठवा, 1 2 3 4, पांचवा छठवा, 1 2 3 4, पांचवा छठवा, सिंपल। इसको याद रखो, 10-15 बार कर लो एक्शन को, आपको 66 याद हो गया। सर क्या मजाक कर रहे हो जिंदगी के अंदर, पीटी सर लग रहे हो? अरे पीटी अच्छी बात थी, बचपन में जाते थे ना अपन स्कूल के अंदर, वो करा ना ऐसे ना, वैसा वाली, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। सो 1 2 3 4, आशीर्वाद, भीख मांगना, ठीक है। सर क्या मजाक है, ये क्या लगा के रखा जीवन में, कैसी हरकतें करवाते हो? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। सबसे पहले एक एक अप्रूवल काउंट करेंगे। सबसे पहले अब 1, सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर कंपनी एक्ट में सबसे ऊपर कौन होता है? सीजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का अप्रूवल, रिडक्शन ऑफ कैपिटल करना है, सीजी अप्रूवल। फिर दूसरा लेफ्ट, टू लेफ्ट में कौन? तो भाई साहब सीजी के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो दूसरा बड़ा अथॉरिटी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भाई साहब सेबी लिस्टेड कंपनी। और 3 बाजू में है, कौन है बाजू में भाई साहब? थर्ड 1 एनसीएलटी, थर्ड 1 कौन है भाई साहब? थर्ड 1 अरे थर्ड 1 एनसीएलटी अप्रूवल। 4th अप्रूवल नीचे, सबसे नीचे कौन? अरे सबसे नीचे मत, अरे बेकारी, सबसे नीचे, नीचे कौन? आरओसी, सबसे नीचे कौन? आरओसी, आरओसी का अप्रूवल। फिर उसके बाद में 5वां, सर ये क्या है ये आप जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो ना, रेज ऑफ हैंड, शो ऑफ हैंड, सेक्शन 107, शो ऑफ हैंड, साथ में हाथ, सो हाथ दिखा रहे हो, शो ऑफ हैंड्स, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल। और फिर सर ये क्या था, ये क्रेडिटर्स अप्रूवल, ये क्रेडिटर्स है ना, पैसा मांगते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स अप्रूवल। 6 अप्रूवल, कितने अप्रूवल? 6 अप्रूवल, 6 अप्रूवल आपको लेना है। देखो सिंपल, मैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल सेक्शन नंबर है 66 में 6 अप्रूवल, 66 में कितने अप्रूवल? 6 अप्रूवल, याद रखना आसान, 6 अप्रूवल्स, बोल दिया, अरे बोले ना, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। सो 6 अप्रूवल, सीजी, सीबी, एनसीएलटी, आरओसी, जीएमएसआर, क्रेडिटर अप्रूवल, यहां तक आइडिया क्लियर है? फिर 6 को डिवाइड करो 3 सोर्सेस, कि आप 3 सोर्सेस से रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर सकते हो। कौन से सोर्सेस? देखो यहां पे मैं पहले अप्रूवल गिरवा दूं। सबसे पहला अप्रूवल देखो, सीजी का अप्रूवल डिस्कस करो, कहां गया 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 कहां गया, ये देखो सीजी अप्रूवल, सीबी अप्रूवल, एनसीएलटी अप्रूवल, स्पेशल रेजोल्यूशन 4 हो गए, आरओसी अप्रूवल 5 हो गए, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी 6 हो गए। तेरा आंसर 6 अप्रूवल खत्म। फिर 3 सोर्सेस, 6 अप्रूवल खत्म, ठीक है। ये देखो ये सीजी, दूसरा सेबी, तीसरा एनसीएलटी, चौथा आरओसी, पांचवा स्पेशल, छठवा क्रेडिटर्स। फिर 3 सोर्सेस कौन से? अनपेड शेयर्स को आप रिड्यूस कर सकते हो, रिडक्शन ऑफ कैपिटल मतलब आप कैपिटल कम कर रहे हो ना, तो जो अनपेड कैपिटल उसको निकाल दो, पैसे भी करने की जरूरत नहीं शेयर होल्डर को। अनरिप्रेजेंटेटेड या लॉस्ट, जिसका कोई शेयर होल्डर ही नहीं है, कैपिटल कंपनी में है, शेयर होल्डर मर गया, ट्रांसफर भी नहीं किया शेयर किसी को, ऐसा ही कैपिटल अनरिप्रेजेंटेड है उसको, या एक्सेस कैपिटल अगर आपको लग रहा है, जैसे जस्ट डायल ने एक्सेस कैपिटल पे ऑफ कर दिया था, ठीक है, तो कर दो। सो 3 सोर्सेस देखो, 66 में 6 अप्रूवल, 3 सोर्सेस, 3 सोर्सेस कौन से? तो एक्सेस कैपिटल, लॉस्ट कैपिटल, एंड तीसरा दैट इज अनपेड कैपिटल, ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना, 3 सोर्सेस। और फिर कंडीशन याद रख लो कि भाई साहब डिपॉजिट का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और एनसीएलटी चाहे तो 3 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर ऑब्जेक्शन बेसिस पे रिडक्शन डिस्चार्ज कर सकता है। सो 6 3 1 1 कंडीशन, ठीक है, सो 3 1 1 कंडीशन कौन सा? नो डिफॉल्ट इन डिपॉजिट, एंड लास्ट 0 0 0 किसके लिए हम यूज करें? नो कंडीशन इन डिफॉल्ट, 0 0 किसके लिए यूज कर रहे हैं? नो रिडक्शन एज पर एनसीएलटी, मतलब इन लोगों ने 3 महीने में ऑब्जेक्शन नहीं लिया, नो रिडक्शन
इफ ऑब्जेक्शन इन 3 months, नो रिडक्शन मतलब जीरो हो गया ना आपका रिडक्शन, जीरो जीरो रिडक्शन इफ ऑब्जेक्शन इन 3 months, 3 महीने में ऑब्जेक्शन किसी ने ले लिया इन सब में से, तो भैया कोई रिडक्शन नहीं होगा। तो देखो 66 में 6 अप्रूवल, कौन कौन से, सी जी से बी एन सी एल टी आर ओ सी स्पेशल रेजोल्यूशन क्रिएटर्स अप्रूवल, 6 हो गए, 6 का आधा 3, 3 सोर्सेस कौन कौन से, अनपेड एक्सेस लॉस्ट, 1 पे आ गए, 3 से 1 पे आ गए, 1 कंडीशन नो डिफॉल्ट इन डिपॉजिट एंड 0 की रिडक्शन ऑफ कैपिटल, 0 हो ही नहीं सकता, कब, जब इनमें से किसी आदमी ने ऑब्जेक्शन लिया, इसमें से किसी ने भी ऑब्जेक्शन लिया है 3 महीने के अंदर, तो रिडक्शन विल बी 0। ठीक है, ये चीज को याद रखना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहो तो सेक्शन पढ़ लो, चाहो तो पॉइंट्स पढ़ लो, जो पढ़ना है पढ़ लो, पर कर लो। बहुत बढ़िया, शानदार बेटा अंकित, स्माइली ढूंढ ढूंढ के निकाले मेरे भाई ने, अनिकेत ने, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। डन एवरीबॉडी, सो यहां पे आपका सेक्शन नंबर 66 हो गया, दैट इज रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। 66 होने के बाद में नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर हम जा रहे हैं, नेक्स्ट है 67 से लेके 70 पूरा एक सीरीज जो है बायबैक का, उसके अंदर मैं सबसे पहले बायबैक का सेक्शन लेना चाहूंगा, दैट इज सेक्शन नंबर 67। ठीक है, 68 बायबैक का पूरा प्रोसेस लेना चाहूंगा, क्योंकि बायबैक का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वो खत्म कर लेंगे उसके बाद में बाकी चीजों पर जाएंगे। ठीक है, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर देना, व्हाट इज बायबैक, मतलब कंपनी कब खुद के शेयर्स परचेस कर सकती है। ठीक है, अगर कंपनी खुद के शेयर्स बायबैक करना चाहती है 10% बायबैक कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। जस्ट डायल ने ये चीज किया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2015-16 की बात होगी, जस्ट डायल ने शेयर बायबैक किए थे, ₹900 मार्केट वैल्यू शेयर था, जस्ट डायल ने 1500 में बायबैक किया था, लोगों ने भर भर के पार्टिसिपेट किया, नियरली डबल द वैल्यू जस्ट डायल ने दिया था। और ऐसे केस में बायबैक कंपनी क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन, बायबैक करने से कंपनी का होल्डिंग सेंट्रलाइज होता है और कंपनी को कोई टेक ओवर नहीं कर सकता, एक बार आपका होल्डिंग सेंट्रलाइज हो गया तो आपको कौन टेक ओवर करेगा। सो बायबैक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी सॉल्यूशन बायबैक करने के लिए। दूसरा, 10-25% तक आप बायबैक कर सकते हो जीएमएसआर से, जनरल मीटिंग के स्पेशल रेजोल्यूशन से आप 10-15% तक बायबैक, 10 तक के तो बोर्ड काफी है, 25% तक जीएमएसआर बायबैक अगर आपको करना है, एओई से अप्रूव्ड होना चाहिए, 2:1 आपका डेट इक्विटी रेशियो होना चाहिए बायबैक करने के बाद। अब आप एफएम में पढ़े होंगे ऑलरेडी, जो एफएम जिसका हुआ होगा या अकाउंट्स टू हुआ होगा एडवांस अकाउंट्स रेशियो एनालिसिस में, कि भैया बायबैक करने के बाद डेट इज टू इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इक्विटी कम हो रहा है तो डेट बढ़ना नहीं चाहिए। तीसरा, लिस्टेड कंपनी में सेबी अप्रूवल ले लो, शेयर फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। मैंने डेट इज टू इक्विटी का अच्छा डिस्कशन रेगुलर फास्ट्रैक बैच में किया, किसी को चाहिए तो फास्ट्रैक बैच देखिए यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें गुड डिस्कशन किया है। नीचे सोर्सेस ऑफ बायबैक, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आप कर सकते हो, ओपन मार्केट से आप बायबैक कर सकते हो, एम्प्लॉइज से ISO, जिनको आपने ISO CSPS दिया उनसे कर सकते हो। देखो एनीवे स्टार्टअप कंपनी में 10 साल तक के 50% तक के आपको अलाउड था एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी शेयर देना, अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप बायबैक कर सकते हो भाई, क्योंकि नॉर्मल कंपनी को तो 25% ही अलाउड है ना। सो स्टार्टअप पहले 10 साल के बाद में अगर 25% पे आना चाहती है, 50-25 आज जो हमने पढ़ा था स्वेट इक्विटी में 50-25 आना चाहती है, तो आप बायबैक कर सकते हो उनसे। नीचे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बायबैक के लिए, सबसे पहले आपको क्या लग रहा है भाई साहब, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ए मां शक्ति मां, मां शक्ति मां, हाँ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट, बायबैक डिटेल सिक्योरिटीज बोर्ड फाइल रिटर्न कंटेम्पलेशन विद आरओसी। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो सेक्शन नंबर 102 में हम देते हैं क्योंकि स्पेशल बिजनेस है, एसबी स्पेशल बिजनेस। सॉल्वेंसी स्टेटमेंट हमको देना पड़ेगा क्योंकि बायबैक कर रहे हो, शेयर को पहले पे कर रहे हो क्रेडिटर्स के, क्रेडिटर्स के पहले शेयर पे कर रहे हो, हालांकि देखा जाए तो पहले क्रेडिटर पे होते हैं फिर लिक्विडेशन में शेयर पे होते हैं, पर यहां पर आप शेयर पे कर रहे हो तो ऐसे केसेस में अप्रूव लेना पड़ेगा। तीसरा, बायबैक
का डिटेलिंग आपको देना पड़ेगा, और चौथा फाइल रिटर्न ऑफ बायबैक, बायबैक का रिटर्न कृपया फाइल कर दीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर मेन आता है टाइम लिमिट्स, टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट एकदम सही है, ये पूरा ही सेक्शन एक्चुअली सही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पर टाइम लिमिट गौर से पढ़ना, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। बायबैक में टाइम लिमिट दो टाइप की है, एक है फॉर्मेलिटी वाले लिमिट्स और एक है बायबैक के लिमिट्स। फॉर्मेलिटी वाले खत्म कर देते पहले, छोटे छोटे हैं। बायबैक किए हुए सिक्योरिटीज फिजिकली डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं 7 डेज में, मैंने हमने जो सिक्योरिटीज बायबैक किए फिजिकली डिस्ट्रॉय करते जलाने पड़ते हैं, और इसके लिए सीएसीएससीए में का अप्रूवल लगता है, मतलब सीएसीएससीए में आएगा सिक्योरिटीज का डिस्ट्रक्शन होली देखेगा जलाया हुआ और आग लगाओ करके और साइन करके चला जाएगा। दूसरा रिटर्न ऑफ बायबैक जो है वो आपने सेबी आरओसी के साथ में फाइल करना है 30 डेज में, रिटर्न ऑफ बायबैक में उसके फॉर्म्स के ऊपर आऊंगा, जस्ट वेट, पर वो आपने फाइल करना है। अब आते हैं बायबैक के टाइम लिमिट्स में, बायबैक के जो टाइम लिमिट है उसके अंदर, ठीक है, सब जन बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, फोकस करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। बायबैक ये एक साल के अंदर आपने, मतलब जिस दिन आपने रेजोल्यूशन पास किया उसके एक साल में बायबैक खत्म होना चाहिए, जिस दिन आपने रेजोल्यूशन पास किया उसके एक साल में बायबैक खत्म होना चाहिए। जैसे मैंने 1 जून 2025 को रेजोल्यूशन पास किया, बोर्ड का ऑर्डिनरी या जनरल मीटिंग का स्पेशल जो भी लगता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हमने पास किया, तो उसके एक साल में मतलब 31 मई 2026 तक बायबैक खत्म होना चाहिए, बायबैक कंप्लीट होना चाहिए, यह वाला 1 ईयर गैप बिटवीन टू बायबैक्स 1 ईयर होना चाहिए, दो बायबैक के बीच का गैप 1 ईयर होना चाहिए। जैसे मैंने 31 मई को लास्ट बायबैक कंप्लीट किया था, बायबैक 1 मैंने 31 मई को कंप्लीट किया था, मैं बायबैक 2 के लिए एक साल का गैप लूंगा, मतलब 31 मई 2026 से 1 जून 2027 मैं 1 जून 2027 को ही नेक्स्ट बायबैक कर सकता हूं, 1 जून 2027 एक दिन इधर उधर, ठीक है, पर 1 जून 2027 को ही नेक्स्ट बायबैक का रिजोल्यूशन पास कर सकता हूं। सो नेक्स्ट बायबैक का रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग का स्पेशल, ऑब्वियसली वो अगर आपने पास किया 1 जून 2027 को तो कंप्लीट करना पड़ेगा एक साल में, ठीक है। सो गैप ऑफ 1 ईयर के बाद में वापस कंप्लीशन विद इन 1 ईयर, कंप्लीट इन 1 ईयर, ठीक है, दैट इज 31 मई 2028, ठीक है। पर आप जो बायबैक करो, जैसे मैंने यहां सेकंड बायबैक कंप्लीट किया, सी दिस इज द फर्स्ट बायबैक, दिस इज BB1, दिस इज BB2, दो दो बीबी आ गई जिंदगी के अंदर आपके, ठीक है, दिस इज BB2, ठीक है। सो बायबैक अगर आपने जिस दिन कंप्लीट किया, आप सेम सिक्योरिटी 6 मंथ्स तक इशू नहीं कर सकते, 6 मंथ्स तक सेम। जैसे अगर आपने यहां 10 रुपए फेस वैल्यू वाला इक्विटी शेयर बायबैक किया है, 10 रुपीज फेस वैल्यू वाला, सेम शेयर आप अगले 6 महीने तक इशू नहीं कर सकते। अगर आप इशू कर रहे हो तो बायबैक क्यों किया फिर, ठीक, सिंपल बात है ना, बायबैक किया मतलब शेयर की जरूरत नहीं है, यहां 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर बायबैक किया, इधर सेम इशू किया, क्या फायदा जीवन में तुम्हारे, क्यों जी रहे हो, ठीक है, चुल्लू भर पानी लो, निपट लो। सो 6 मंथ तक इशू नहीं कर सकते, तो 31 मई 2028 से 30 नवंबर 2028 तक सेम शेयर इशू नहीं होगा। यह है बायबैक के टाइम लिमिट्स, बहुत प्यारा सेक्शन है, एग्जाम में कई बार पूछा सकता है, एक बार वापस ले लेते हैं। 10% तक बोर्ड ऑफ ऑर्डिनरी, 10 से 25% GMSR, AOA अप्रूवल, डेट इज टू इक्विटी 2:1, सेबी अप्रूवल, फुल्ली पेड शेयर होना चाहिए। नीचे शेयर होल्डर्स, एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बायबैक, ओपन मार्केट से बायबैक, ISO CSPS एम्प्लॉइज से बायबैक। नीचे डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फाइल करो, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट फाइल करो, बायबैक सिक्योरिटीज के डिटेल्स दे दो, रिटर्न फाइल कर दो, इसके फॉर्म्स हम देखेंगे। टाइम लिमिट अगर आपको बायबैक फिजिकली डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा 7 दिन के अंदर, रिटर्न वो देखेंगे। नीचे बायबैक के 1 ईयर के अंदर आपने बायबैक कंप्लीट करना है रेजोल्यूशन से, दो बायबैक के बीच का गैप मैक्सिमम मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए, और तीसरा वाला ये मैक्सिमम 1 ईयर में खत्म करो, मिनिमम 1 ईयर का गैप, एंड 6 मंथ तक के आप सिमिलर सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते जो आपने बायबैक किए हैं, ठीक है। यह है आपका बायबैक का सेक्शन, आज ये फटाफट मार्किंग कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो कंपनी कैन नॉट परचेस इट्स ओन शेयर अंडर सेक्शन 61, पर 67 का इकलौता एक्सेप्शन है 68, तो 68 में परचेस कर सकते हैं। 10% बोर्ड ओआर, 25% GMSR, एडिशनल अप्रूवल AOA सेबी, डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड अप, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट 102, ऑफर लेटर SH8, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट SH9, मेंटेन रजिस्टर SH10, डेट इशू इक्विटी रेशियो 2:1, फुल्ली पेड अप शेयर्स बॉट बैक करने पड़ेंगे, रिटर्न ऑफ बायबैक आपको SH11 में फाइल करना पड़ेगा ROC सेबी के साथ 30 डेज में, ठीक है। आपको कंप्लायंस सर्टिफिकेट बायबैक का करना पड़ेगा SH15 में। नीचे फॉलोइंग प्रोसेस देके रखा है, आप बायबैक एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ओपन मार्केट, एम्प्लॉइज से कर सकते हो। टाइम लिमिट्स, कंप्लीशन विद इन 1 ईयर होना चाहिए, मिनिमम गैप 1 ईयर होना चाहिए, मिनिमम सिक्योरिटीज गैप 6 मंथ्स होना चाहिए, मतलब सेम शेयर इशू नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय करो फिजिकली 7 डेज में, CSCSCMA का सर्टिफिकेशन ले लो। बायबैक के सबके सब कंडीशन है, और सभी ई फॉर्म्स भी दिए, जैसे देखो SH8 ऑफर लेटर का ई फॉर्म है, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट हमको जो फाइल करना है क्रेडिटर्स के लिए SH9 में, रजिस्टर 10 में मेंटेन करना है, 11 में ROC सेबी को रिटर्न फाइल करना है, और 15 के अंदर कंप्लायंस सर्टिफिकेट आएगा बायबैक का कि सब कंडीशन आपने कंप्लाई किए हैं। मैं 1 मिनट दूंगा, सेक्शन को पूरा रिवाइज कर लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे, गो फॉर इट फास्ट।
सबका रिवाइज हो गया, समझ में आया तो कृपया कमेंट कर दीजिए गाइस और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है। जितना लाइक करोगे जितना कमेंट करोगे उतने दूसरे लोगों तक के भी वीडियो पहुंचेगा तो उनको भी फायदा होगा। ठीक है, यह होने के बाद अब मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा सेक्शन नंबर 69 सीआरआर। सीआरआर में जितना आपने बायबैक 69 मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, भिखारी अच्छा सोचो, 69 में जितना आपने बायबैक किया उतना अमाउंट आप ट्रांसफर कर दीजिए सीआरआर में, जितना फेस वैल्यू आपने बायबैक किया है बस उतना ही सेक्शन है, बाद में इसको बोनस इशू के लिए यूज कर लेना। ठीक है, अब मैं लेना चाहूंगा 68, 67 और 70 साथ साथ में। ठीक है, यह सेक्शन बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता इसलिए कृपया बहुत अच्छे से ध्यान देना, 67, 70 और 68 में भी इसका रेफरेंस लूंगा कि क्यों ये करना है। ठीक है, मैं इसको पहले समझाना चाहूंगा अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, पहले सेक्शन 67 क्या कहता है, 67 कहता है कि कंपनी ने खुद के शेयर बायबैक नहीं करने चाहिए। 67 कहता है कंपनी ने खुद के शेयर बायबैक नहीं करने चाहिए, प्रोहिबिशन ऑन बायबैक ना खुद ने ना एजेंसी के थ्रू। सो मैं यहां लिखना चाहूंगा प्रोहिबिशन ऑन बायबैक बाय कंपनी इटसेल्फ, आप भी लिख सकते हो बाय कंपनी इटसेल्फ, एंड दूसरा प्रोहिबिशन ऑन बायबैक आप कर सकते हो थ्रू एजेंसी, बाय एजेंसी, आप कोई एजेंट वगैरह अपॉइंट करो या किसी को आपने फाइनेंस कर दिया बाय फाइनेंस। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जिसको आपने पैसा दिया बायबैक करा गलत है, ये आप नहीं कर सकते, पर इसके एक्सेप्शन है सेक्शन 68 में आपको बायबैक करना अलाउड है एज पर प्रोसेस। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बायबैक ही है तो अलाउड है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 55 में अलाउड है, और अनलिमिटेड कंपनी जो है वो खुद के शेयर बायबैक करे क्या फर्क पड़ेगा, लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड ही है ना, शेयर रखे बेचे क्या फर्क पड़ने वाला, लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड घर से ही जाने वाला, तो अनलिमिटेड कंपनी बायबैक कर सकता है। अगर कंपनी बायबैक करना चाहता है मैक्सिमम अप टू 25% तो 68 उसको अलाउ करता है, सेक्शन 68 बोलता है 25% तक के बायबैक अलाउड है। ठीक है, अब समझना, समझना मैं क्या कह रहा हूं समझना, 67 बोलता है बायबैक प्रोहिबिटेड है, 67 बोलता है बायबैक प्रोहिबिटेड है, उसका एक्सेप्शन है 68, उसका एक्सेप्शन है 68, उसका एक्सेप्शन क्या है बोले एक बार उसे 68 बोलता है, या मैं इसको अलग कलर में लेना चाहूंगा, आई विल मेक इट इन ग्रीन कलर। सो उसका एक्सेप्शन है 67 का एक्सेप्शन है 68 बायबैक अलाउड एज पर प्रोसेस। पर भाई साहब 68 का भी एक्सेप्शन है, 68 का क्या है बोले एक बार उसे एक्सेप्शन, मतलब आप 68 में प्रोसेस करने के बाद भी बायबैक नहीं कर सकते, 68 का एक्सेप्शन इज 70 बायबैक प्रोहिबिटेड। पर यहां मैं लिखूंगा अंडर सेक्शन नंबर 68 बायबैक प्रोहिबिटेड। ठीक है, 68 में आप बायबैक नहीं कर सकते, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, मतलब अगर आप देखो तो 67 एंड 70 में बायबैक प्रोहिबिटेड है, 67 70 में बायबैक प्रोहिबिटेड है, सिर्फ 68 में अलाउड है, और 70 जो प्रोहिबिट कर रहा है वो 68 के अंदर प्रोहिबिट कर रहा है, मतलब 68 की प्रोसेस भी आप पूरी कंप्लाई करो जो अभी हमने पढ़ी तो भी आप नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते, तो अगर आपका डिफॉल्ट है, मतलब आप 68 की प्रोसेस करके फायदा ही नहीं है, क्यों फायदा नहीं है भाई, आपने डिफॉल्ट किया है डिपॉजिट इंटरेस्ट के पेमेंट में, मतलब आपने डिपॉजिटर्स को पैसे पे नहीं किए और इक्विटी शेयर्स के पैसे पे किए जा रहे हो, क्या सेंस है इसका, डेट्स पहले पे करो भाई, अगर आपने डेट्स का पेमेंट नहीं किया तो बायबैक गया। अब डेट्स में क्या क्या आता है, डिपॉजिट डिबेंचर्स डिविडेंड लोन्स, डेट को पहले पे करो फिर शेयर्स को पे करो, तो यहां सिंपली मैं लिखना चाहूंगा लॉजिक क्या है इसका, पे डेट्स फर्स्ट, डिविडेंड इज ऑल्सो डेट। हा, आप ये मत बोल रहे डिविडेंड लिखा है तो आप बोलोगे डिविडेंड बोला है, सो डिविडेंड का डिविडेंड डेट होता है, मेरे बेट भाई, मेरे प्रया, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे ब्रदर। ठीक है, सो डिविडेंड पे डेट फर्स्ट देन शेयर्स देन पे शेयर्स। ठीक है, डेट्स फर्स्ट, सो डेट्स डिपॉजिट डिबेंचर डिविडेंड डीडीडी लोन एंड इंटरेस्ट, खत्म बात। ये है आपका सेक्शन नंबर 70। सो सेक्शन नंबर 70 में आप बायबैक नहीं कर सकते अगर आपने 68 भी कंप्लाई किया तो। ठीक है, चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, 70 को रीड कर लो, 60 और 67 को भी रीड कर लो, दोनों को रीड कर लो। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। बहुत बढ़िया बढ़िया करिश्मा, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट भाई, बच्चों का प्रिपरेशन हो जाए वही चाहिए अपने को जीवन में, और क्या चाहिए।
Done, everybody. सेक्शन नंबर याद करने पड़ेंगे बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सेक्शन याद करने के लिए, डेली रिवाइज करने पड़ते हैं. जो मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं उसे याद करो तो काम हो जाएगा. ठीक. अब 69 के बाद 67, 67, 67, 68, 70 सब हो गया. उसके बाद में आता है 71, दैट इज डिबेंचर. अब डिबेंचर का सेक्शन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा काम का है ऐसा नहीं है, बट मैंने रिलेवेंट कंटेंट डिबेंचर्स का देके रखा है. ठीक है, जो आपने पढ़ना चाहिए. पर रिविजन लेक्चर में मैं डिबेंचर कुछ लिमिटेड हद तक ही कवर करूंगा, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसका इतना कोई सेंस नहीं है. बट स्टिल अगर आपको पढ़ना है तो पूरे सेक्शन का कंटेंट मैंने देके रखा है, आप आराम से खुद भी पढ़ सकते हो. ठीक है, बट जो लिमिटेड है वो मैं कवर करवा दू. डिबेंचर दो टाइप के यहां पे कवर किए हैं, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल. ठीक है, अगर डिबेंचर नॉन कन्वर्टिबल है मतलब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होने वाले, तो सिर्फ बोर्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, डिबेंचर इशू करो. लेकिन अगर डिबेंचर कन्वर्टिबल है विद द कन्वर्टिबल ऑप्शन, तो जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हो. ठीक है, कन्वर्टिबल ऑप्शन के लिए, क्योंकि आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट होगा तो भैया इक्विटी शेयर होल्डर को तो पूछना पड़ेगा, तो जीएमएसआर. इशू ऑफ डिबेंचर्स आप करो, पर डिबेंचर के ऊपर वोटिंग राइट प्रोहिबिटेड है. ठीक है, वोटिंग राइट्स डिबेंचर के ऊपर नहीं आ सकते. आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके आपको प्रोविजन क्रिएट करने पड़ेंगे. अपॉइंटेड डिबेंचर ट्रस्टी, एक ट्रस्टी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा डिबेंचर ट्रस्टी, और साथ में रिडेम्पशन शॉल बी मेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन. टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आपने रिडेम्पशन डिबेंचर का करना चाहिए. ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो आपको डिबेंचर्स को इशू करने से रोक सकता है फाइनेंशियल पोजीशंस को देख के, या जो आपने डिबेंचर इशू किए हैं उसको रिडीम करने को भी बोल सकता है. ट्रिब्यूनल को लगता है आपकी हालत खस्ता है तो ट्रिब्यूनल बोलेगा भाई तू डिबेंचर इशू मत कर, अगर आपने इशू किए तो ये भी बोल सकता है तू रिडीम कर दे. अब ये इसका मेन कंटेंट हुआ. इसके एडिशन में डिबेंचर में आपको क्या पूछा जा सकता है, तो मैं कुछ चार्ट ऑलरेडी बनाए हैं उसमें से आपको मैं समझा दूं मेन चीजें. वैसे तो सेक्शन इन्होंने जिला बना के घोषित कर दिया है कि बोली ये पढ़ो करके, पर उसका कोई सेंस नहीं है. मेन चीजें मैं आपको बोल दूं कि डिबेंचर्स में आपको और क्या पढ़ना पड़ सकता है, वो चीजें मैं आपको यहां बता दूं. ठीक है, यहां आपको डिबेंचर ट्रस्टी के राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो पढ़ने पड़ सकते हैं. चलिए, अब डिबेंचर ट्रस्टी के राइट्स और ड्यूटीज डिपॉजिट ट्रस्टी जैसे ही है, तो हम इसको कवर करेंगे डिपॉजिट ट्रस्टी वाले सेक्शंस के अंदर. सो ये दूसरा कंटेंट है जो हम यहां कवर नहीं करेंगे, जो हम डिपॉजिट ट्रस्टी में कवर करेंगे. वो चार्ट भी मेरे पास अभी नहीं है, मैंने वो डिपॉजिट चैप्टर के अंदर बेसिकली ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो डिपॉजिट चैप्टर जब मैं लूंगा तो उसको कवर करवाऊंगा. साइड में चाहिए तो लिख के रखिए डिबेंचर ट्रस्टीज विद डिपॉजिट ट्रस्टी, ऐसा. तो वो एक पैरामीटर है जो हमारा बाकी है. बाकी आप पूरा सेक्शन पढ़ सकते हो, समराइज बहुत अच्छे से करके रखा है, आपके काम में आएगा. यहां आपका सेक्शन 71 खत्म होता है. सेक्शन 72 है नॉमिनेशन का, जो कुछ काम का. अच्छा, डिबेंचर्स के बारे में 71 के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप देख के उसके अंदर भी आप ये चीज कर सकते हो. ठीक, सो यहां आपका 71 खत्म होता है. 72 नॉमिनेशन का ऑलरेडी डिलीटेड है, और इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स. सो अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा, समझा बहुत अच्छे तरीके से, आपको आइडिया आया कि ये चैप्टर में क्या पढ़ाया है मैंने, रिवाइज हो रहा है, तो मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कृपया मैक्सिमम बच्चों से इसको शेयर करें, आपके दोस्तों से शेयर करें. इससे दो एडवांटेज होंगे. पहला तो भैया अच्छा खासा व्यूज आएगा तो बहुत सारे लोगों से ऑटोमेटिकली शेयर होगा, और दूसरा आपके दोस्त से शेयर करोगे तो उसका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक बुक के साथ में, एक 200-250 पेजेस की बुक के साथ में आप जब कोई पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करवा देते हो, वो भी 10-12 लेक्चर्स के अंदर, 20-30 घंटे के अंदर, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. ठीक, सो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव ए हाँ, इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस, राइट, इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बोले थे, आई गेस मैं इसके भी इंपॉर्टेंट सेक्शन बोलूं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलना बाकी है, उसको मैं मेंशन करूंगा, डोंट वरी. तो आ जाइए सेक्शन लिस्ट के अंदर कि कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए. ठीक है, कौन से सेक्शन सही है. देखो, शेयर सर्टिफिकेट का सेक्शन काम का है. ठीक है, वोटिंग राइट वाला सेक्शन सो है, वेरिएशन ऑफ राइट काम का है. फिर 49 नहीं, 50 भी, 50 काम का एडवांस कॉल का, डिविडेंड का नहीं, 52 प्रीमियम का काम का है, डिस्काउंट का मेरे को इस बार लग रहा है काम का, स्वेट इक्विटी भी, प्रेफरेंस शेयर्स काम का नहीं है, ट्रांसफर ट्रांसमिशन ठीक है, 1500 नेशन ठीक है, रिफ्यूजल ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी ठीक है. मेरे को रिफ्यूजल थोड़ा सा लग रहा है कि रिफ्यूजल पूछा जा सकता है. नेक्स्ट वाला अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल काम का है, पर वो हम फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन में लेके है. फर्दर इशू काम का है, बोनस इशू काम का है, 64 नहीं, 65 डिलीटेड है, रिडक्शन काम का है, 68 काम का है, एंड 70 काम का है. ठीक है, तो इतने जो सेक्शन मैंने टिक करके रखे हैं ये काम के हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस कृपया टिक कर लीजिए. सो नियरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मैंने आपको 30 सेक्शंस में से सिर्फ 13 सेक्शंस दिए हैं जो काम के हैं.
ठीक है, तो इसको कृपया अच्छे से पढ़िएगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया कमेंट कर दीजिएगा और लोगों से शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं, कल भी हम नियरली 7 बजे ही मिलेंगे। ग्रुप के ऊपर मैसेज देखते रहो, क्योंकि क्या है नए शेड्यूलिंग चल रहे हैं इंटर के, फाउंडेशन के, तो उसमें नई बैचेस आ रही है। अब फेस टू फेस वालों को तो मैं मना नहीं कर सकता, तो 7 बजे अपन टाइम लेके चलते हैं इवनिंग 7 PM वाला। सो ये लेके चलते हैं, क्योंकि मीटिंग्स वगैरह नॉर्मली 9:30 के बाद होती है, सब टीचर्स ही 9:30 के बाद फ्री होते हैं, तो उनके भी बैचेस होते हैं, तो फिर वो झंझट हो जाती है। ठीक है, सो प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।